आइए आइए, तशरीफ लाइए। वालेकुम सलाम। वो आपके होटल का नक्शा? अभी नहीं, आपकी हमारी मुलाकात में पूरे 2 मिनट बाकी हैं, आपको इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन ताजुब है, मेरे घड़ी में पूरे 9 बजे। तो आप अपनी घड़ी दुरुस्त करवा लीजिए। शायद आपको इल्म नहीं कि हम वक्त की पाबंदी के मामले में किस कदर मशहूर हैं। लोगों के एतमाद का ये आलम है कि वो हमें देखकर अपनी घड़ियां मिलाते हैं। माशाल्लाह, फिर तो आप एक मिसाली शख्सियत के मालिक। दरअसल हमने अपनी जिंदगी के चंद उसूल बना रखे हैं, जिन पर हम सख्ती से पाबंद। इनसे चंद लोगों की दिल आजादी तो होती है, मगर हम मत। हाँ, एक एक अब ठीक, दिखाइए। ये भी ठीक है साहब, नक्शा तो आपने हमारी ख्वाहिश के मुताबिक बनाया, मगर इसमें अभी कुछ चंद खामियां हैं। आप इच्छा फरमाए, मैं आपकी ख्वाहिश के मुताबिक ऑल्ट्रेशन कर लूँ। यूं आपको समझाना कुछ मुश्किल होगा। आप ऐसा कीजिए, 2-4 रोज के लिए मरी चले जाइए, वहाँ कुछ साइट सीन, कुछ व्यूज, कुछ आप समझते हैं ना, क्या ख्याल है? बेहतर जैसा आप समझे। मैं जाके लोकेशन देखे लेता हूँ। हाँ, हाँ। और उसके बाद नक्शा आपकी मर्जी के मुताबिक इंशाल्लाह बना लूँ। दुरुस्त। थैंक यू वेरी मच। तो मैं इजाजत चाहूंगा। वालेकुम। जी हाँ, हफ्ते तक। हाँ, 1 हफ्ते तक नक्शे बन जाए। जी हाँ जी, ठीक है। राइट सर, थैंक यू वेरी मच। वालेकुम अस्सलाम जनाब। आपको मालूम है मैं बहुत ही बिजी आदमी हूँ, आपने मुझे फोन करके क्यों बुलाया है जी? आप इस कुर्सी पर बैठने के कितने पैसे लेंगे? 9 रुपए 12 आने। बाहर टैक्सी खड़ी है, बिल पे करा दीजिएगा। तशरीफ रखिए, बिल पे हो जाएगा जनाब खलील साहब। आज की ताज़ा खबर सुनिए इरशाद। मैं और आप कल सुबह 7 बजे के प्लेन से मरी जा रहे हैं, जो पिंडी लैंड होगा। क्या इस शहर से आपका दिल घबरा गया है? जी नहीं, एक बहुत जरूरी काम से जाना है। उस काम का मेरी जात से क्या ताल्लुक? ताल्लुक यह है कि मैं आपके बगैर मरी की इतनी ऊंची पहाड़ियां सर नहीं कर सकता। ये पुरथकल गुफ्तगू छोड़ो, सीधी तरह बताओ आखिर कैसा क्या? सब कुछ समझा दूंगा जनाब, आप मरी चलने की तैयारी करें। तैयारी कैसी? मैंने कौन सी लेडीज की तरह साड़ी कसनी है? कितने दिन का प्रोग्राम है? खान बहादुर साहब के होटल का नक्शा बनाना है, ज्यादा से ज्यादा 2 दिन में वापस आ जाएंगे। समझ गया, तो आप मुझे कंपनी के लिए साथ लिए जा रहे हैं। मैंने सोचा मेरा काम भी हो जाएगा और जनाब की आउटिंग। अच्छा, बात माकूल है, मगर अपना भी कुछ उसूल है। ये आउटिंग पे जितना भी खर्चा आएगा वो सब हम करेंगे, क्योंकि आपको तो पता है हम हातिम ताई के अजीजों में थे। जी हाँ, पता है, आप उनके सातवें कजिन हैं। ये लीजिए जनाब 10 रुपए, टैक्सी का किराया दीजिए, सुबह 6 बजे मेरे घर पहुंच जाइए, ताकि मैं आपको नाश्ता कराकर अपने साथ जहाज में सवार करा सकूं। ये सुबह के टैक्सी के पैसे? ऐसी की तैसी के, आप हातिम ताई के कजिन है साथ में। वक्त पे पहुंच जाना। मेरा जैसा वक्त का पाबंद आपको पूरे पाकिस्तान में कहीं नहीं मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तुम्हारे सूटकेस की तैयारी अभी तक मुकम्मल नहीं हुई? यार, बड़े सोच समझ के पैकिंग की थी। हाँ? ये कुंवारा होना भी एक अजाब है, एक बहुत ही अहम चीज भूल आया। वो क्या जी? जिसके बगैर कोई शरीफ आदमी घर से बाहर कदम नहीं रख सकता, इजारबंद भूला है। अम्मा, तुम किसी जंगल में आए हो, यहाँ जरूरत की हर चीज मिल जाती है। मैं बाजार जा रहा हूँ, तुम्हारी लेता हूँ। मैं ये तुम्हारा इजारबंद वाला एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। चल, मत मत किया करो। मेरा जैसा खुशामद करने वाला तुम्हें पूरे पाकिस्तान में नहीं मिलेगा। तुम मरी में तो मत करना। आता हूँ। सुनिए जी, फरमाइए। इस शॉल की कीमत क्या है? ओ, ये तो बहुत महंगी। नहीं, मेरा मतलब ये है, ये तो सिर्फ 100 रुपए की है, आप पहनी बहुत अच्छी लगेगी। थैंक यू।
ये लीजिए। क्या साथ निकाल लेंगे? ओ नो 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 नो, काउंटर पर पेमेंट होगी, हो सकता है मैं बेईमान हो जाऊं। मैंने ये शॉल खरीदी है, ये लीजिए 100 रुपए। 100 रुपया? मगर मोहतरमा ये शॉल तो 300 रुपए की है। 300 रुपए? जी। मगर आपके सेल्समैन ने तो 100 रुपए कीमत बताई है। सेल्समैन? ये सेल्समैन तो नहीं, आपकी तरह कस्टमर है। हमारा सेल्समैन लोग खाना खाने गए। ओह गॉड, आप इंतहाई बदतमीज आदमी है, आपने मुझे धोखा क्यों दिया? मैंने आपको क्या धोखा दिया मोहतरमा? आप मुझे सेलमैन समझी, मैं सेलमैन बन गया, इसमें मेरा कसूर क्या है? इडियट। अरे नहीं इडियट नहीं, मेरा नाम सलमान है बीबी। ओ यू शट अप। बात अच्छा, पैसे होते नहीं शाले लेने आ जाती है। ओहो, गाड़ी भी अच्छी है, कुड़ी भी अच्छी है, कोशिश करके देखें क्या हर्ज है। खाली हाथ आ रही हूँ, कपड़ा नहीं खरीदा? नहीं, हमें साथ नहीं ले जाओगी तो यही होगा। क्या बात है, मूड क्यों खराब है? इसी दुकान पर एक बेवड़ा आदमी मिल गया था। कौन था? मुझे क्या मालूम, दुकान पर कुछ खरीदने आया था, मुझे देखकर दुकानदार बन गया। बेईमान फ्रॉड इडियट कहेगा। तुम्हारी ये गालियाँ सच नहीं पड़ती, लिहाजा ना अपना दिल दिला ना मेरा, चलो चल के खाना खा ले, मुझे भूख नहीं है। इसका मतलब ये है कि तुम्हारा गुस्सा अभी तक नहीं उतरा। मेरी जान फिकर मत करो, कल मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। हाँ गाड़ी तो साफ अच्छी है, जरा सेकंड हैंड। करेक्ट। चादर भी बहुत अच्छी है, मजबूत है। ऑफ कोर्स। क्या बात है, आप लोग मेरी कार को घिरे हुए क्यों खड़े हैं? साहब घिराव जलाव का कोई इरादा नहीं है, वैसे आप 1 गैलन में 28 मील तो चल लेती होंगी। क्या मतलब? मेरा मतलब ये है कि कितना एडवांस दिया जाए। मैं समझी नहीं। मेरा मतलब यह है कि आप जब फरोख्त करने निकली हैं एक चीज को, तो फिर ये क्यों के पैसे बता दीजिए। ये देखिए। ओह गॉड, व्हाट नॉनसेंस, ये क्या बेहूदगी है, चले जाइए यहाँ से। मेरे ख्याल से आपको कहीं से अच्छा ऑफर आ गया है, इसलिए आपने इरादा बदल दिया है। चुप रहिए अफशां, ये जरूर इन्हीं की शरारत है। अफशां, उफ किस कदर प्यारा नाम है अफशां, तो गोया गाड़ी अफशां साहबा ही के नाम में होगी। शट अप। हाँ, डीजल की लगती है, चलने से पहले ही धुआं देना शुरू कर दिया आपने तो। गॉड। ये बात है गुलशन, ये वही हजरत है जिसका मैंने कल तुमसे जिक्र किया था। ओ आई सी। आओ ए मिस्टर, मैं तुम्हें आखिरी बार समझा देना चाहती हूँ, मैं कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ। तुम्हारा ख्याल है तुम्हारी इन शरारतों से मैं तुम्हारी दीवानी हो जाऊंगी? ना, 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 मैं ये नहीं चाहता। आप सेफ खाएं, सेहत के लिए बहुत अच्छा। ओ शट अप, चलो गुलशन। अबे ये तो किसी अंग्रेजी स्कूल में पढ़ी हुई है। लड़कियाँ दोनों ही अच्छी हैं, मगर ये अफशां कुछ ज्यादा ही चिड़चिड़ी है। अबे शादी से पहले सबसे चिड़चिड़ी होती है अफशां, वैसे नाम बड़ा प्यारा है। अच्छा वैसे दूसरी वाली काफी मजबूत है, चल तेरी एक्सरसाइज का सामान खुद ही करेगी। चल कितने फिट है? 50 फुट 4 इंच। 50 फिट 4 इंच। सलमान, मैं अपनी मेहनत का इनाम तुमसे बाद में लूंगा, पहले मुझे 13.5 रुपए दे दो। ये 13.5 रुपए तुम खर्च कर चुके हो या करने का इरादा है? ये चाकू देखते हो? बुरा खुश उसने। इसे आज मैंने वो काम लिया है कि तुम मेरी इस नाकिस अकल के कायल हो जाओगे। मुझे कायल होने में जरा देर लगेगी, इसलिए कि मैं मसरूफ। और छोड़ो यार, काम तो होता रहता है। दूर को रख बे, बता क्या चीज चला क्या है। सलमान, वो दोनों बच्चियां हैं ना प्यारी प्यारी, एक तुम्हारी एक हमारी, वो दोनों रोजाना जिस स्पॉट पर घूमने जाती हैं, पहले तो मैंने उसका सुराग लगाया, उसके बाद मैंने ये चाकू खरीदा, फिर मैं उस स्पॉट पर गया और वहाँ एक दरख्त पर मैंने तुम्हारा और अफशां का नाम इस चाकू से कुरेद दिया। इससे क्या होगा जनाब? अनाड़ी आशिक हो भाई, जब तुम अचानक उसे उस स्पॉट पर मिलोगे और वो अपना और तुम्हारा नाम दरख्त पर खुदा देखेगी तो तुम्हारे इश्क की कायल हो जाएगी। वाकई यार तुमने तो बहुत बड़ा काम किया है,
मेरा जैसा जहीन आदमी तुम्हें पूरे पाकिस्तान में नहीं मिलेगा। अब इसी खुशी में किसी अच्छे से होटल में चलकर खाना खिलाओ और फिर मरी के नजारों से लुत्फ अंदोज होते हैं। हेलो मिताब शाह, आपको मेरे नाम का कैसे पता चला? मुझे आपके नाम का ही नहीं, आपके सारे जोग्राफी का भी पता। गॉड, आप तो मुझे कुछ दीवाने लगते हैं। हाँ नहीं, जब से आपको देखा है हो गया। इस गलत फहमी को दिल से निकाल दीजिए, मुझे आपसे मोहब्बत करने का कोई शौक नहीं है, समझे? आप झूठ बोलती हैं, आप मुझसे मोहब्बत करती हैं। अगर आप इससे मोहब्बत ना करती होती तो मेरा और अपना नाम इस दरख्त पर ना लिखवाती। देखिए अच्छी स्कीम बनाई है आपने। ये स्कीम नहीं है, एक जिंदा हकीकत है मिस अफशान। आप 77 के मजनू जरूर हो सकते हैं, मगर मुझे आपकी लैला बनने का कोई शौक नहीं। देख लीजिए, सोच लीजिए, मुझ जैसा टॉल हैंडसम आदमी चिराग लेकर भी ढूंढेंगी ना तो नहीं मिलेगा। मुझे आपके आप अपनी दिल की धड़कनों में बता लीजिए, फायदे में रहेंगी। मेरा दिमाग अभी तक इतना खराब नहीं हुआ कि आप जैसे फ्रॉड के साथ प्यार करो। हाय अल्लाह, आपको तो इस फ्रॉड के साथ प्यार करना ही पड़ेगा। मुझे राइडिंग में थोड़ी देर हो गई। हमको नहीं मालूम था मैम साहब के इधर इशक मिशक का कुछ चक्कर चलता है, वरना हम आपको थोड़ा देरी से लेके आता। क्या बकता है? ठीक बकता है। वैसे मैम साहब, आप इतना खूबसूरत है, आपको दो कबाब के बीच में हड्डी नहीं बनना चाहिए। बिल्कुल ठीक कहता है खान साहब। ये देखो, ये लो 10 रुपए और मैम साहब को और सैर कराओ। ठीक है, हम मैम साहब को अपने घर लिए जाते हैं। ओह यू शट अप, कोई जरूरत नहीं है। आप नहीं है मगर हमारा साहब को तो है। बकवास बंद करो, उतरो गुलशन। चले भी आओ गुलशन के गुलशन का कारोबार चले। शट अप, चौकड़ी लोग गया, चौकड़ी लोग गया। ये वन वे ट्रैफिक वाला इश्क मुझे ज्यादा आगे बढ़ता नजर नहीं आता। अबे ज्यादा बकवास मत कर, मैंने उसकी कमल जैसी आंखों में मोहब्बत की चमक देखी। इसका मतलब है तुम अगले हमले में ये सोमनाथ फतेह कर लोगे इंशाल्लाह। आए हाय, नजरे का अटैक मालूम होता है। अरे डॉक्टर, हाय खाला, हाय हाय पुत्री, सब रिश्तेदार आप पर चढ़े हुए हैं। किला में सब खानदान को याद कर रहा हूँ। यार बेवकूफ बनाने में तुम्हारा जवाब नहीं है, ये क्या सिलसिला है? वहाँ मरीज बने बैठे हो और यहाँ डॉक्टर बने बैठे हो। कौन है भैया, क्या बेहूदगी है? अच्छा तो रूप बदलते ही अब आंखें भी बदल ली। अबे मैं खलील हूँ, खलील बगैर फाफ्ता वाला। मैं तुम्हारी नकली दाढ़ी से मुतासिर होने वाला नहीं। क्या बेहूदगी है ये? कौन है? नहीं साहब, मुझसे गलती हो गई। किसी चौकीदार को बुलाने की जरूरत नहीं है, मुझे माफ कर दीजिए। बल्कि आप अपना गुस्सा अपने सीधे हाथ पे थूक दीजिए। मैं अपनी बारी के लिए बैठता हूँ, मुझे दरअसल अपने दोस्त के लिए दवा लेनी है। गलती हो गई। बैठिए वहाँ। हाय मिर्जा साहब, आपको ये बुखार कितने दिन से? 3 दिन हो गए इस बुखार को चढ़ते हुए। 4-5 आदमी लगा रखे, ये बुखार उतरता ही नहीं। काफी दिलचस्प आदमी है। लीजिए, मैंने दवाई लिख दी है, बाजार से मिल जाएगी, इसे इस्तेमाल कीजिए, बुखार उतर जाएगा। अंग्रेजी का है जी। आदाब गुलशन, क्या हाल है? डॉक्टर साहब, मेरी सहेली अफशान को अचानक बुखार हो गया है, आप यहाँ से कब तक फारिग होंगे? भाई ये तो मरीजों पर डिपेंड करता है, मेरे ख्याल से कुछ 2 तो बच जाए। मैं 2 बजे के बाद आकर तुम्हारी सहेली को देख लूँ। थैंक यू डॉक्टर, खुदा। कहाँ चले, दवाई नहीं लेनी? माफ कीजिएगा डॉक्टर, मुझे एक बहुत जरूरी काम याद आ गया है।
सलमान मुबारक हो दिया। आज मैंने वो हरकत की है कि अगर तुम जरा भी कंजूसी से काम ले लो तो मुझे 100 रुपए टिप जरूर दोगे। बकवास मत करो, मुझे तो लग रहा है तुम कहीं से पिट के आए। पिट कर नहीं, मिट कर आए हैं। आग लेने गए थे, पयंबरी मिल गई तुम्हारी महबूबा के घर का पता मालूम करके आया हूँ। हाँ, वो कैसे? डॉक्टर की दुकान पर अफशा की सहेली मिली थी, मैंने उसका पीछा किया, उसका घर देखा और सीधा इधर आ गया। मुझे शेर व शायरी का बहुत शौक हो गया है। मैं अक्सर सोचता हूँ कि काश मैं डॉक्टर ना होता, शायर होता। अफशा को भी शेर व शायरी का बड़ा शौक है डॉक्टर साहब। माशाल्लाह माशाल्लाह। मिस गुलशन, आपकी सहेली को फ्लू हो गया है, लेकिन आप घबराए ना, मैं एक इंजेक्शन दिए देता हूँ, ये ठीक हो जाएगी। लो भाई, मैं सिरिंज फूल। इस कमबख्त याददाश्त का भी अजीब ही आलम हो गया है जब से शेर व शायरी शुरू की। यकीन जानिए मिस अक्षर, सर ऐसा होता है कि एक मरीज को देख कर गया हूँ और एक घंटे बाद दोबारा उसी मरीज के पास चला गया। एक अनार 100 बीमार वाली कैफियत। आप कभी क्लिनिक तशरीफ लाए ना, आपको अंदाजा। डॉक्टर साहब, बात दरअसल ये है कि मैं बचपन में बहुत शरीर हुआ करता था। एक दिन मैं चला जा रहा था तो एक सोते कुत्ते की दुम पर मैंने पैर रख दिया। दुम इंतहाई हसीन, नफीस और बारीक थी। मेरा जो पैर पड़ा तो थोड़ी देर के बाद कुत्ते की आंख खुल गई। उसने जवाई ली और मेरा मोजा लेकर भाग गया। वो तो खैर हुई। देखिए मिस्टर, आप मेरा बहुत वक्त जाया कर चुके हैं। मुझे आपके बचपन के वाकयात से कोई सरोकार नहीं। आप बताइए, आपको तकलीफ क्या? साहब, बात दरअसल ये है, मैं आपसे एक मशवरा करना चाहता हूँ। ये कुत्ते को देख कर मेरा भौंकने को क्यों जी चाहता है? आज अंदाजा हुआ डॉक्टर साहब, क्या आप कितने दिलचस्प आदमी हैं। अक्षय की आधी बीमारी साहब की बातों से दूर हो गई। ये तो आपकी सादत मंदी है। ऐसे मैं कहाँ का डॉक्टर, मेरा मतलब है मुझे ये पेशा बिल्कुल पसंद नहीं। वो क्यों डॉक्टर अंकल? क्या बदतमीजी है क्या अंकल? खबरदार जो मुझे डॉक्टर अंकल का। माफी चाहती हूँ, मगर इसकी वजह ये है कि मैं अपने आप को यंग महसूस करना चाहता हूँ और इस किस्म के लफ्ज सुनकर इंसान को बुढ़ापे का एहसास होने लगता है। अच्छा देखो, मैं चलता हूँ। वो डॉक्टर सब्जवारी मेरी जान को रो रहा होगा। सब्जवारी वो तो आप खुद हैं। अरे हाँ, वो तो मैं खुद हूँ। देखो मैं अपना नाम भूल गया, मुझे वाकई अपनी याददाश्त का इलाज कराना पड़ेगा। आप एक बात का ख्याल रखिए, वो जो मैंने नुस्खा दिया है ना, उस नुस्खे पर जो हिदायत है उन पर सख्ती से अमल कीजिए। अच्छा, खुदा हाफिज़। डॉक्टर अंकल नहीं नहीं तुम अंकल कह सकती हो। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। मुझे तो डॉक्टर साहब के दिमाग का कोई पेच ढीला लगता है। नहीं अफशा, बात उन्हीं जरूर है, मगर आदमी दिल का अच्छा है। मैं आ सकता हूँ? नहीं, माफ करना गुलशन बेटी, मुझे जरा क्लिनिक में देर होगी, लेकिन मैं तुम्हारी सहेली कर दूंगा। क्या बात है, तुम दोनों मुझे इतनी हैरत से क्यों देखती हो? सोच रही हूँ आप यहाँ दोबारा क्यों आ गए। अभी तो आप अक्षा का मुआयना करके गए थे। मैं अक्षा का मुआयना करके गए? भाई मैं तो सीधा अपने क्लिनिक से आ रहा हूँ। आपका कोई कसूर नहीं है डॉक्टर साहब, आपने खुद ही कहा था कि आपकी याददाश्त कमजोर हो गई है। क्या तमाशा है, जब मैं यहाँ आया नहीं तो मैं कह कैसे सकता हूँ? तुम दोनों में मुझे बेवकूफ बना रही है। प्लीज डॉक्टर साहब मान जाइए ना। देखिए प्याली जिससे आपने चाय पी थी, ये रहा वो नुस्खा जो आपने मुझे लिख कर दिया था। कह दीजिए कि ये भी झूठ है। मर्ज मोहब्बत इलाज प्यार भरी नजरों का एक इंजेक्शन रोजाना, सुभानअल्लाह। परहेज मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से दीजिए। जरूरी ताकीद, फौरन मुझसे मिलिए, इसमें हम दोनों की भलाई है। फकत आपके दिल का अरमान, आपका सलमान। लाहौल वाला बहुत ही नुस्खा है मोहब्बत नामा। वैसे यार मुझे यकीन है वो मेरा मोहब्बत पढ़ के ना मोमबत्ती की पिघल जाएगी। अगर पिघल गई तो बचेगा क्या है? मैं तुम्हारी जगह होता तो जबानी इजहार इश्क करता, मगर तुम्हारी तो आदत है कि आज का इश्क कल पर जरूर टालो। अम्मा उसी अच्छे कल का तो इंतजार है, तुम देखते तो जाओ होता क्या है। देख लेंगे।
गुलाब का फूल ये किस लिए? सुना है मुगले आजम शहंशाह अकबर जब किसी उलझन में गिरफ्तार होते तो गुलाब का फूल उन्हें सुकून बैठता। मजाक न कर गुलशन, मैं इस वक्त बहुत गुस्से में हूँ। तुम्हें ये गुस्सा फौरन थूक देना चाहिए वरना इससे ब्लड प्रेशर की शिकायत पैदा हो जाती है। वेल यू शट अप प्लीज। एक तो सुन जाओ, ऊपर से अंग्रेजी में जान भी खाओ, आखिर इस गुस्से की वजह क्या है? आहा, जैसे तुझे कुछ पता ही नहीं। उसने मुझे बेवकूफ बनाया है, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। अगर वो गरीब मर गया तो फिर प्यार किससे करोगी? मुझे उससे प्यार नहीं है। अपने आप को धोखा देने का कोई फायदा नहीं है। अच्छा क्या मतलब? मतलब ये कि तुम्हें उससे प्यार हो गया है। नहीं हुआ तो हो जाना चाहिए, इसलिए कि वो हैंडसम है, स्मार्ट है, चार्मिंग है। काश वैसी प्यारी शरारत मेरे साथ करता तो मैं अपना सब कुछ उस पर निछावर कर देती। तो फिर जाओ निछावर कर दो। किसने रोका है तुम्हें? प्लीज अक्षा, मेरे सर पर हाथ रखकर कसम खा, क्या वो इस काबिल नहीं कि उससे प्यार किया जाए? कायदी पे तुम उसकी इतनी चमचू कर रही हो इसलिए कि वो तुमसे प्यार करता है। प्यार करना तो एक इबादत है, प्यार करना तो एक इबादत है, प्यार करना कोई गुनाह नहीं। बेवफाई के हो निशान जिस पर मंजिले इश्क की वो राह नहीं। प्यार करना तो एक इबादत है, प्यार करना कोई गुनाह नहीं। इंशा जी उठो अब कूच करो। भाई साहब आप अपने जज्बात का इजहार नजर में नहीं कर सकते। क्यों, क्या आपको हमारी गायकी पसंद नहीं आई? अरे हमारा जैसा सुरीला आदमी तो आपको पूरे पाकिस्तान में नहीं मिलेगा। अच्छा होगा भाई, कहना क्या चाहे? कहना ये चाहता हूँ कि मैं तंग आ गया हूँ इस पहाड़ से, अब जमीन पर चलो, बहुत हो गया। अच्छा जी, जमीन पर उस वक्त तक नहीं जा सकते जब तक के हमारे मुकदमे का फैसला नहीं हो जाए। क्यों, क्या कोई कत्ल वतल कर दिया? जी नहीं, किसी की नशीली आंखों ने हमें कत्ल कर दिया। अच्छा तो भाई मकतूल, अपने मुकदमे का फैसला हमसे सुनो। हमारे दिल की अदालत में बैठा हुआ जज कह रहा है ये मोहब्बत कभी परवान नहीं चढ़ सकती, ये जमीन बंजर है, इसमें मोहब्बत का पौधा नहीं लग सकता। वो जज रिश्वत दे के जज बना है, अपनी आंखों का इलाज कराओ। कहाँ जा रहे हो? अफशां से मिलने। तो मैं यहाँ बैठ के क्या मक्खियाँ मारूंगा? तुम यहाँ मुसल्ले पे बैठो, मेरे लिए दुआ करो। मैं तो साये की तरह तुम्हारे साथ चलूं। यार मेरा साया, चलो। सलाम अलैकुम खान साहब। कुछ वालेकुम असलम। अंदर जाकर इत्तला करो, हम आपका बेगम साहब से मिलना चाहता है। लेकिन अंदर तो कोई भी नहीं, सब लोग चला गए। आए हाय हाय, किधर चला गया? मरीज से चला गए। वो जो बेचते थे दवाएं दिल, वो दुकान अपनी बढ़ा गए। मगर अब होगा क्या बे? सबर करो सलमान, मैं तुम्हारे गम में बराबर का शरीक हूँ। तुम्हारी वाली भी गई और हमारी वाली भी गई। साहब आपका नाम सलमान है? हाँ। आपके लिए बीबी चिट्ठी दे गई। क्या लिखा है? लिखती है हम यहाँ से जा रहे हैं, मुलाकात न होने का दुख है, हम आपकी मोहब्बत का इम्तहान लेना चाहते हैं, अगर आपकी लगन सच्ची है तो आप हमें ढूंढ लेंगे, वरना खुदा हाफिज। फकत आपकी इफ्शा। अफशां बे, अफशां बे, फिलहाल लड़कियां हमें उल्लू बना गई। आउल आउल। उल्लू तो बना गई, बहरहाल इम्तहान देख लेते हैं। फिलहाल तो चलिए खान बहादुर साहब अपना नक्शा देखने के मुंतजर होंगे। आइए। हुई ना बात। अब देखो, अगर मैं तुम्हें मरीज ना भिजवाता और तुम प्लॉट का बगौर जायजा ना लेते तो इतना खूबसूरत नक्शा कैसे तैयार होता? खान बहादुर साहब आपने बिल्कुल बजा फरमाया, मरीज आकर तो मुझे बहुत ही फायदा होगा। हमारे साथ रहोगे तो यही होगा। साहब आपका टेलीग्राम। अच्छा
खैरियत तो है? बिल्कुल खैरियत भाई, राशिद आ रहा है विलायत से। राशिद? हाँ, मैं इनसे पहले मिला? नहीं नहीं, तुम मिले तो नहीं हो, लेकिन मिलोगे तो बहुत खुशी होगी। मेरे बिजनेस पार्टनर का बेटा है। अच्छा, मुझे बहुत पसंद है। जाहिर है आपको पसंद है, तो बहुत सी खूबियों का मालिक हूँ। अच्छा, मुझे इजाजत दीजिए, मैं कल हाजिर हूँ। आना जरूर जी भाई, वो राशिद से भी कुछ मशवरा ले लेंगे, उसे भी इस काम में खासी दिलचस्पी है। खुदा खुदा। He is really genius. अबे ये मेरा दफ्तर है, ये नाई की दुकान। चलो ये भाई, उससे क्यों नाराज हो रहे हो? वो तो मेरे हुक्म से मेरी खिदमत कर रहा है। तो आप इसे अपनी खिदमत के लिए घर क्यों नहीं ले जाते अपने? वो गालियां सुने हम आपके लिए, जिल्लत उठाएं आपके लिए, क्या हमें इतना भी हक नहीं कि हम आपके चपरासी से अपनी नाजुक गर्दन दबवा सकें? हाय, लोगों की गालियां और उस काफिर हसीना के सैंडल, किस कदर खूबसूरत मंजर था, काश तुम भी वहां मौजूद होते। आखिर ऐसी मुसीबत क्या आ गई थी? मेरे ब्रदर, मैं तुम्हारे कहने के मुताबिक अफशां को ढूंढने निकला। गुड। बाजार में खातून का मैंने दुपट्टा खींचा, गर्दन घूमी तो वो अफशां नहीं थी। मैंने झुककर माजरत चाही, उन्होंने झुककर सैंडल उतार लिया और मेरे सर पे घुमाना शुरू कर दिया। मैंने बचाओ बचाओ की आवाजें दी, लोग मेरी मदद को आए, मगर उन्होंने भी मेरी पिटाई करना शुरू कर दी। मेरे अजीज भाई, मैं अब आपसे माजरत चाहता हूँ, मैं उन्हें ढूंढने कभी नहीं जा सकता और वो आपको कभी नहीं मिल सकते। आप बकवास बंद करेंगे, उसकी तलाश जारी रखिए, इसलिए कि उसकी तस्वीर मेरे जहन पर नक्श हो चुकी है। अब आप उसे ढूंढने जाएंगे? मैं उसे ढूंढने नहीं जाऊंगा, मेरा अपना बार्बर है, मैं लेडीज से मजीद हेयर कट नहीं कराना चाहता भाई। भूल बातें मत करो, मेरा दिल कहता है कि अगर मेरी लगन सच्ची है, वो जरूर मिलेगी। आज तुम्हें देखकर यूं लग रहा है अफशा, जैसे अनारकली शहजादा सलीम के इंतजार में तड़प रही हो। तुम ठीक कह रही हो गुलशन, मैं वाकई सलमान से मिलने के लिए बेचैन हूँ, लेकिन अब खुदा जाने कब उससे मुलाकात होगी। चलो इतना तो हुआ कि तुम अपने किए पर पशेमान हो, जब मैंने कहा था तो नखरे दिखाए जा रहे थे, अब तुम अपनी गलती पर आंसू बहाओ या दिल तड़पाओ, सलमान तुम्हें नहीं मिलेगा। ऐसा ना कहो गुलशन, हम सलमान के बगैर जिंदा नहीं रह सकते। हाय, मैं बच जाऊं, फिर ताजमहल में अनारकली ने यही डायलॉग बोला था, शहजादा सलीम हम आपके बगैर जिंदा नहीं रह सकते। मेरी बेकरारी का मजाक उड़ा रही हो? तौबा तौबा, भला मैं ऐसी गुस्ताखी कर सकती हूँ? अच्छा अफशा, फर्ज करो सलमान से तुम्हारी मुलाकात हो जाए तो? इन झूठी तसल्लियों से कोई फायदा नहीं, कोई तरकीब सोच गुलशन। जरूर सोचूंगी, मगर आज नहीं कल। अच्छा तो मैं चलती हूँ। ओके बाय बाय। आज तुम्हें देखकर यूं लग रहा है अफशा, जैसे अनारकली शहजादा सलीम के इंतजार में तड़प रही हो। अच्छा अफशा, फर्ज करो सलमान से तुम्हारी मुलाकात हो जाए तो? आखिर आपको ढूंढ लिया ना? हैरत है, लेकिन देखिए कोई बहाना नहीं चलेगा, आप जो रुक्का मरी में छोड़ कर आई थी उसकी रूह से आप हार चुकी। हमें इससे इनकार नहीं। तो फिर खड़ी मुंह क्या देख रही हैं? आइए गले लग जाइए, हम जैसा प्यार करने वाला आपको ढूंढे से नहीं मिलेगा। आहिस्ता बोलिए, डैडी ने देख लिया तो उसे बता जाएगी। डैडी, तो आप खान बहादुर साहब की बेटी? जी हाँ, लेकिन ना हो तुम्हें गवाही के लिए बुला लो। नहीं नहीं, बेटी मिल गई अब उनका क्या करेंगे? आइए जरा आइए। क्या करें? आइए तो सही ना, बैठिए गाड़ी में, मस्जिद में भी बैठा दीजिए। बैठिए बैठिए, मैं कह दूंगा उनसे, बैठे बैठे बैठे। मरी से आने के बाद मैं अक्सर तुम्हारे बारे में सोचती रही हूँ।
अपना भी यही हाल है। लेकिन एक बात बताएं, जब हमने एक दूसरे को पहली ही नजर में पसंद कर लिया था तो ये आंख में चोली क्यों खेलते रहे? एक दूसरे को समझने में और परखने में कुछ तो वक्त लगता ही है। वैसे अब आपका मेरे बारे में क्या ख्याल है? किसी भी लड़की के आइडियल बन सकते हो। मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ ताकि खान बहादुर साहब को शादी की दरख्वास्त दे। यकीन जानो मेरी अम्मी तुम्हें बहू बनाकर बहुत खुश होगी। और तुम? मैं तो दुनिया की किसी भी लड़की से शादी कर सकता हूँ। अच्छा तो ये बात है, तो जाइए और किसी दुनिया के हसीन लड़की से शादी कर लीजिए। ना ना ना, एक और गड़बड़ है ना, दिल तुम्हें दे बैठे। उन्हें आपकी दौलत से सिर्फ इस कदर दिलचस्पी होती है कि उसे किस तरह जल्द से जल्द खर्च किया जाए। मगर साहब राशिद इसके बिल्कुल बरक्स है। कंजूस तो नहीं है मगर मोहतात जरूर है, और मेरा ख्याल ये अच्छी बात है। वैसे आपके मुंह से उनकी इतनी तारीफ सुनने के बाद बड़ा इश्तियाक पैदा हो गया उनसे। आता ही होगा, वो अफशां के साथ गुलबर्ग मार्केट तक गए। लो वो आ गए। सॉरी डैडी, जरा देर हो गई है। कहाँ रह गए थे तुम दोनों? मेरा कोई कसूर नहीं अंकल, देर से आने की सारी जिम्मेदारी अफशा की है। खुदा जाने लड़कियाँ शॉपिंग करते वक्त ये क्यों भूल जाती हैं कि वक्त किस कदर इम्पोर्टेंट होता है। चलो अफशा को ना सही, उसके बाप को तो वक्त का एहसास है। सलमान साहब ये मेरी बेटी अफशा है, और ये राशिद मियाँ है। राशिद मियाँ, ये सलमान साहब बहुत बड़े आर्किटेक्ट है। मैं आपसे इनका जिक्र सुन चुका हूँ अंकल, बहुत खुश हुई आपसे मिलकर मुझे। आपने अंकल के होटल का बहुत अच्छा नक्शा बनाया है, मुझे भी अनकरीब आपकी जरूरत पड़ेगी। हाँ सलमान साहब, ये राशिद मियाँ कराची में जदीद तर्क का बहुत बड़ा होटल बना रहे। बहुत खुश, जब भी आप फरमाए मैं हाजिर हूँ, जब कहेंगे काम शुरू करो। थैंक यू। अच्छा खान सर, मैं इजाजत चाहता हूँ। तो मैं एक दौर और हो जाए चाहे नहीं, फिर कभी। अच्छा फरमाइए। मुझे यकीन हो गया है कि तुम मुझसे बहुत मोहब्बत करते हो। तुम मुझे राशिद के साथ देखकर जल गए हो ना? मुझे जलने की क्या जरूरत? इधर देखिए, प्यार करने वाले दिल के आईने को मैला नहीं होने देते। दिल मैला हो जाए तो बड़ी मुश्किल से ड्राई क्लीन होता है। मैं कसम खाती हूँ, राशिद से मेरा ना ताल्लुक था, ना है, ना होगा। अच्छा, वाकई तुम ठीक कहती। मैं गलतफहमी का शिकार हो गया। तुम्हारा कसूर नहीं, सभी मदशक्की होते हैं। एक मशवरा दूं? हाँ। तुम मम्मी जान से बात करो, वो आकर हमें हमेशा के लिए मांग ले। हाँ ठीक है, मम्मी जान से आज ही बल्कि अभी बात करता हूँ। वाह 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 वाह, मम्मी आपने क्या गजब का कलर आज पहना है। देखिए ना, डायमंड के साथ और इसके साथ तो अजीब ही लग रही है। आपकी तारीफ करने के लिए अम्मी लफ्ज ही नहीं मिल रहा है। हाँ होता है, महंगाई के जमाने में मक्खन अचानक सस्ता हो गया। हाँ, हाँ। जाया मत करो बेटे, तुम्हें मालूम है तुम्हें बहुत प्यार करते हैं, और तुम्हारा काम बगैर खुशामद के हो सकता है। अरे अम्मी बहुत बहुत शुक्रिया, बस यही तो मैं चाहता था। मगर वो खान बहादुर साहब मान जाएंगे? ये कैसे नहीं मानेंगे अम्मी, वो पूरे मुल्क में ढूंढेंगे तो मुझे ऐसा लड़का नहीं मिलेगा। ज्यादा अकड़ो नहीं, अगर इनकार हो गया तो। ना हौल वला कुव्वत, अम्मी कैसी बच्चगुनी की बात करती है। देखे वो मेरी बहुत इज्जत करते हैं, पहले तो 6 फुट इज्जत, अब जाएंगी आप तो 5 फुट 9 इंच, 11 फुट 9 इंच इज्जत करेंगे। बेहुदा, खुदा करे ऐसा ही हो। तो अम्मी देखिए ना, नेकी के काम में आप जैसे बुजुर्गों ने कहा देर नहीं होनी चाहिए। और हम जैसे बुजुर्गों ने कुछ और भी कहा है, यानी जल्दी का काम शैतान का होता है, और तुम शैतान नहीं सलमान हो। अभी मेरा मकसद ये था कि आज आपका मूड बहुत अच्छा है। आज ही हो? बिल्कुल बहुत अच्छा मूड है, लेकिन अभी तुम्हारा नहीं, हमारा और हमारी बहू का मामला है। चले जाएंगे किसी दिन भी। अच्छा, चले नजूमी ने तो आज की तारीख बड़ी अच्छी बताई। अरे बकवास, आज ही कुछ गौर कीजिए। हाँ हाँ ठीक है। चाय पीजिए। जी शुक्रिया। बेगम रहमान, अगर आप इजाजत दें तो हम आपसे चंद जाती सवाल पूछ सकते हैं। जी क्यों नहीं। शुक्रिया शुक्रिया। आपके शोहर को इंतकाल किए कितना अरसा गुजरा? जी गालिबन 18 साल। वाकई?
अजीब इत्तेफाक है, हमारी बेगम को भी इंतकाल किए हुए 18 साल ही गुजरे हैं। खैर, तो आपने दूसरी शादी नहीं की? जी नहीं। हमने भी नहीं की। आप अपने मरहूम शौहर को जरूर याद करती होंगी? जी हाँ, अक्सर। उफ, मेरे खुदा, हमारी आपकी बातें किस कदर मिलती जुलती। हम भी अक्सर अपनी मरहूमा बीवी को याद करते हैं। आपका एक ही बेटा है? जी हाँ, सलमान हमारा इकलौता बेटा है। और अफशा हमारी इकलौती बेटी है। यानी इत्तेफाकात की कड़ियां कैसे एक दूसरे में पेवस्त होती जा रही है। यूं लगता है बेगम रहमान, जैसे हम गम के सहराओं में दो भटके हुए बदनसीब मुसाफिर हैं, जिन्हें वक्त ने एक दूसरे के करीब कर दिया है। हमारी अलमनाक जिंदगी की एक ही सी दास्तान। माफी चाहता हूं, आप क्या मिली है कि माजी के धुंधले नकूश रोशन हो गए हैं, सोया हुआ एक एक लम्हा जाग उठा है। छोड़िए खान बहादुर साहब, बीते दिनों की तल्ख यादों को दोहराने से क्या हासिल। अब हमें अपनी खोई हुई खुशियों को सलमान और अफशां के रूप में देखने की आरजू करनी चाहिए। इन दोनों की शादी हमारे मुस्तकबिल के सुकून का बाइस बन सकती है। यकीनन यकीनन, मगर इस सिलसिले में अफशां की राय मालूम करना बहुत जरूरी है। हम समझते हैं, मगर इसकी जरूरत नहीं, इसलिए कि अफशां सलमान को पसंद करती है। ये तो कोई बात नहीं हुई, सलमान को तो हम भी पसंद करते हैं। इसका मतलब है कि हम उससे शादी। हमारा मतलब है इन दोनों की शादी कर दी जाए, ये कोई जरूरी तो नहीं। जी हम आपका मतलब नहीं समझे। इसमें आपका कोई कसूर नहीं, शायद हम आपको समझा नहीं सके। देखिए बेगम रहमान, शादी उम्र भर का बंधन है, कोई गुड्डे गुड़िया का खेल तो नहीं। तो हमें भी कोई इतनी जल्दी नहीं, हम तो सिर्फ ये चाहते हैं कि बात पक्की हो जाए। ना ना ना, ना बात पक्की हो सकती है ना कच्ची। क्यों, क्या सलमान आपके मियार पर पूरा नहीं उतरता? उतरता है। तो क्या वो शरीफ और बाकिरदार नहीं है? बल्कि और भी बहुत सी खूबियों का मालिक। फिर इस इनकार की वजह? ये बताना हम जरूरी नहीं समझते, आखिर हम अफशां के बाप हैं। और हम अफशां को अपनी बहू बनाना चाहते हैं, और इस उम्मीद पर आए हैं कि आप ये रिश्ता जरूर कबूल फरमाएंगे। देखिए मिसेज अहमान, अफशां की शादी हम कैसे करेंगे, किससे करेंगे, ये हमारे सोचने का मसला है। आखिर वो हमारी बेटी है। गोया, हम आपकी तरफ से इनकार समझें। आप बहुत समझदार हैं। शुक्रिया। कि उन्होंने कोई वजह बताई? हमने पूछा था बेटे, लेकिन उन्होंने ये कहकर इनकार कर दिया कि हमारे लिए जानना जरूरी नहीं। समझ में नहीं आता वो किस किस्म के आदमी है। लेकिन मैं समझ गया हूँ, यकीनन वो अफशां की शादी अपने बिजनेस पार्टनर के बेटे राशिद से करना चाहते। तो क्या करें, तुम्हारे लिए कोई रिश्तों की कमी नहीं है। हम अपने चांद के लिए इस घर में ऐसी दुल्हन लाएंगे जो नहीं, अगर अफशां से मेरी शादी नहीं हुई तो मैं किसी और से नहीं करूंगा। सलमान, ये तुम क्या कह रहे हो? उन्होंने घर बुलाकर इस रिश्ते से इनकार किया, उसके बावजूद तुम्हारे जहन पर अफशां सवार है? I'm sorry, मैं मजबूर हूं। ऐसी भी क्या जल्दी है, कुछ दिन यहाँ ठहरो, घूमो फिरो, फिर चले जाना। तुम तो बिल्कुल ही कवारी हो गए। ये बात नहीं अंकल, दरअसल कल अम्मी जान से फोन पर बात हुई, वो मेरे लिए बहुत फिक्रमंद हैं। हाँ ठीक है, माँ बाप औलाद के लिए फिक्रमंद ना होंगे तो और कौन होगा। अब हमें देखो, हम अफशां बेटी के लिए किस कदर परेशान रहते हैं। क्यों अंकल? बेटे बात यह है कि अब वो माशाल्लाह जवान हो गई है, हम चाहते हैं कि उसकी शादी करते हैं। तो इंतजार किस बात का है, अफशा के लिए एक से एक अच्छा लड़का मिल सकता है। हाँ हाँ, लड़का तो हमारी नजर में है, मगर अब हम खुद ही उससे कैसे बात करें। आप मुझे बताइए, मैं उससे मिलकर जाऊंगा, सारी बात तय हो जाएगी। बेटे बात दरअसल ये है कि हम जिस लड़के से अफशा बेटी की शादी करना चाहते हैं आप, वो तुम हो। जी ये आप क्या कह रहे हैं? बात ये बेटे कि तुम हमें बहुत अच्छे लगते हो,
हम चंद दिनों से सोच रहे थे कि तुमसे बात करें या तुम्हारी अम्मी से। तुम जानते हो कि तुम्हारे मरहूम वालिद से हमारे किस कदर अच्छे मरासम थे। अगर वो जिंदा होते तो आज उनकी भी यही आरज़ू होती। वो तो ठीक है अंकल, मगर मैं मजबूर हूँ। क्यों, क्या मजबूरी है तुम? क्या अफशां बेटी तुम्हें पसंद नहीं? बात पसंद की नहीं अंकल, दरअसल मैं शादी कर चुका हूँ। कब, किससे? लंदन में कयाम के दौरान मैंने एक अंग्रेज लड़की से शादी कर ली थी, और अब तो मैं एक बच्चे का बाप भी बन चुका हूँ। हैरत की बात है, लेकिन तुमने इसका पहले जिक्र नहीं किया। कभी ऐसी बात ही नहीं छिड़ी, मुझे अफसोस है अंकल। नहीं नहीं नहीं, तुम्हारा इसमें कोई कसूर नहीं, दरअसल हमारी सोच ही गलत निकली। अच्छा बेटी, अरे अभी तक तुम तैयार नहीं हुई? याद नहीं राशिद मियां को छोड़ने एयरपोर्ट जाना है? आप खुआइए डैडी, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। वो तो खैर तुम्हारे चेहरे से जाहिर है, यूं लगता है जैसे रोती रही है। नहीं तो डैडी, भला मैं क्यों रोती? तुम्हें रात गए तक पढ़ती रही होगी। बारल बेटे, हम तुम्हारे चेहरे पर दुख नहीं खुशी देखना चाहते, और इसीलिए हमने सलमान से तुम्हारी शादी करने का फैसला कर लिया है। डैडी, सलमान की अम्मी तुम्हें अपनी बहू बनाने का इरादा लेकर आई थी, लेकिन हमने इनकार कर दिया। दरअसल हमारी ख्वाहिश थी कि तुम्हारी शादी राशिद से हो, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है, तो फिर हम अपनी बेटी की तमन्नाओं का ख्याल क्यों ना करें? मैंने तो आपसे कोई गिला नहीं किया डैडी, आपका हर फैसला मेरे लिए काबिल एहतराम है। जीती रहो जीती रहो। ये तुम्हारी सादत मंदी है बेटे, लेकिन अगर हमने कल इनकार किया था तो आज हम इकरार भी तो कर रहे हैं। जीती रहो बेटे। हेलो सलमान, डैडी हमारी शादी के लिए प्रसन्न हो गए। ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। ये आप क्या कह रही हैं अम्मी? हम ठीक कह रहे हैं, आखिर हमारी इज्जत और वकार की भी कुछ कीमत है। हमारी ममता तुम्हारे अरमानों के सामने झुक सकती है, कच्ची शाख की तरह टूट सकती है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम अपनी अदा को खत्म कर दें। हम खान बहादुर के घर नहीं जाएंगे। अम्मी, क्या आपको मेरी खुशी अजीज नहीं? दुनिया की कोई शह हमें तुमसे ज्यादा अजीज नहीं। मगर बेटे, हमें मजबूर मत करो। अगर उन्हें रिश्ता पसंद है तो उन्हें यहाँ आना होगा। ये नामुमकिन है डैडी, इसमें हर्ज भी क्या है? सलमान की अम्मी यहाँ आ चुकी है, अगर आप इस बार उनके घर चले जाएंगे तो क्या बिगड़ जाएगा? कुछ बने या बिगड़े, ये मेरे उसूलों का तकाजा है, मेरे वकार का मसला। माफ कीजिए डैडी, क्या पूछ सकती हूँ, आपके बनाए हुए ये उसूल बेटी की खुशी से भी ज्यादा कीमती है? अब जा, फिर बातें मत करो, मुझे बहस करने से नफरत है। एक ही बात की रट लगाए हुए हो, मैंने तुम्हें अपना फैसला सुना दिया है कि रिश्ता तय करने के लिए सलमान की अम्मी को यहाँ आना पड़ेगा, और बस। अजीब मुश्किल है, दोनों तरफ है आग बराबर लगी हुई। पूछ सकती? वो कैसे? हमें फायर ब्रिगेड की मदद लेनी चाहिए। तुम मजाक बंद करो, मालूम नहीं हम इंतहाई नाजुक मसले पर गौर कर रहे हैं। खुदा जाने ये बुजुर्गों के आना हमारी शादी के दरमियान दीवार बनकर क्यों खड़ी हो गई? अगर तुम दोनों की इजाजत हो तो मैं और खलील जाकर उनसे बात करें। बातें बहुत हो चुकी हैं, ये अपने डैडी को और मैं अपनी मम्मी को समझा समझा कर थक गए। आ गई। कौन आ गई? मेरे जहन में एक ऐसी तरकीब आई है कि आप लोग कहेंगे कि मेरा जैसा जहीन आदमी पूरे पाकिस्तान में ही नहीं पैदा हुआ। आप अपनी तारीफें छोड़िए और काम की बात कीजिए। क्या तरकीब आई है तुम्हारे जहन? मेरी और गुलशन की मंगनी। तुमने फिर बकवास शुरू कर दी। इनका तो दिमाग खराब हो गया। यही तो मुश्किल है, जो अक्ल की बात करते हैं उन्हें लोग दीवाना समझते हैं। हजरात, जरा मेरी बात गौर से सुनिए। इन दोनों बुजुर्गों ने एक दूसरे के घर पे आने जाने को अपनी आन का सवाल बना लिया है। ये दोनों बुजुर्ग आपस में मिलेंगे, मगर मेरे घर पे, मेरी और गुलशन की झूठी मंगनी के डेरे पर आएंगे। अरे गुड, वेरी गुड। अच्छा लगता है इस तरह तो मसला हल हो जाएगा। अच्छा अच्छा, तो भाई हम जरा वक्त के कुछ ज्यादा ही पाबंद वाकई हुए हैं, बस आज जरा कुछ ताखीर सी होगी। नहीं सर, आप बिल्कुल सही वक्त सही जगह हैं। अच्छा अच्छा,
तो तुम्हारी ही मंगनी हो रही है ना? जी सर, वो मेरी अपनी पर्सनल जाति प्राइवेट। अच्छा, बहुत खूब। तो ये कुछ रौनक वगैरह होनी चाहिए थी। सर क्या बात करते हैं आप, अरे रौनक है महफिल तो आप हैं। मैं वेल सेड माय डियर बॉय। चलो बेटे चलो, ये रखे। थैंक यू, वेल सेड वेल सेड। मेरे मालिक, मेरी मंगनी हो ना हो इनकी शादी हो जाए। आप अंदर जाइए, मैं गुलशन से मिलकर आती हूँ। ओह यस, ठीक है ठीक है। तो गोया आप भी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। शायद आपने मुझे पहचाना नहीं, मैं अफशान का डैडी हूँ, बेगम रहमान। जी हाँ, हमें याद है कि आपसे एक बार मुलाकात हुई, पर वो मुलाकात हमें हमेशा याद रहेगी। अगर ये बात है तो आपने मेरे सलाम का जवाब क्यों नहीं दिया? वालेकुम सर। शुक्रिया शुक्रिया। अजीब इत्तेफाक है कि मेरे आपके अलावा यहाँ और कोई मेहमान नहीं आया। अफशान और सलमान की शादी के सिलसिले दरअसल मैंने अपना इरादा बदल दिया है। मगर हमने अपना इरादा नहीं बदला, और फिर भी जब तक आप इस सिलसिले में हमारे घर नहीं आएंगे ये शादी नहीं होगी। अगर मर गए मोहल्ले वाले, तेरी झूठी मंगनी भी काम नहीं आई ससुरे, तो गोया आपके हुस्ने का अब तक वही आलम है। देखिए मिसेज रहमान, मुझे अपने उसूल बहुत अजीज और हमें अपनी अना बहुत प्यारी है। सलमान खरीद कहा हो तुम, हम यहाँ एक पल नहीं ठहर सकते। तो गोया ये बात है जी। गुलशन अब क्या कहा हो तुम, हम भी यहाँ एक पल नहीं ठहर सकते। चलो बेटा गुलशन, चले भी आओ कि गुलशन का कारोबार चले। चलो चलो। ये आप लोगों ने कुछ अच्छा नहीं किया जो हमारे मंगनी के मौके पर आप लोग आपस में झगड़ा कर रहे हैं, ये बदशुगनी है। अगर मंगनी के फौरन बाद हमारे बच्चे पैदा होने शुरू हो जाएंगे तो वो भी आपस में लड़ते रहेंगे। अगर आप लोगों को लड़ना ही था तो सनीमा की खिड़की पे जाकर लड़ते, अरे बस की लाइन में जाकर लड़ते, पानी के नलके पे जाके लड़ते, कंबोडिया में जाकर लड़ते। ये आपने कुछ अच्छा नहीं किया जो यहाँ लड़ रहे हैं। ये लो अपनी मंगनी की अंगूठी वापस, मैं किसी शादी नहीं करना चाहती। मैं भी तेरे साथ जिंदगी नहीं गुजारना चाहता। भाई दबे अंकल, आप दोनों किस बात पर लड़ रहे थे? भाई मेरे उसूल और इनकी है ना। खुदा के लिए आप अपने उसूल और आंटी आप अपनी इना खत्म कर दें, वरना ये जिंदगियां बर्बाद हो जाएंगी, ये चार जिंदगियां तबाह हो जाएंगी। देखो देखो देखो, चलो मुझे तो ये रिश्ता मंजूर है। आपको मंजूर है तो फिर आंटी आप यहाँ की गई अंगूठी जा रही है, प्लीज। अच्छा भाई, तुम लोगों की खातिर हमें भी ये रिश्ता कबूल है। कंग्रेचुलेशन सर। जी नहीं, करीब आइए, हाथ ऊपर उठाइए। अच्छा, ये दरख्त याद है? अच्छी तरह। देखो कभी ये नाम मजाक के तौर पर इस दरख्त पर लिखे गए थे, लेकिन क्या मालूम था कि एक दिन ये हकीकत बन जाएंगे। वाकई कल तक हमें दूसरे के लिए बिगाने थे, मगर तकदीर ने इन दोनों नामों को ऐसे रिश्ते में पिरो दिया है जो कभी ना टूटेगा। आओ आज इन बहारों को गवाह बनाकर अपने प्यार का आगाज करें। लेकिन प्यार का आगाज तो हो चुका है। एक प्यार वो होता है जो शादी से पहले किया जाता है, लेकिन असल प्यार तो शादी के बाद शुरू होता है। तो आज प्यार की इब्तिदा मैं करता हूँ।
में तेरी चाहत मेरे शानों पे सर तेरा, मेरी जहाँ मेरा वादा है रहूंगा उम्र भर तेरा। अरे वाह वाह वाह, मुझे नहीं मालूम था आप शायरी भी करते हैं। ये शायरी नहीं, मेरे दिल की आवाज है। ये तुम्हारी मोहब्बत है सलमान, और खुदा करे इस मोहब्बत में कभी कमी ना आए। अच्छा जनाब, ये गाड़ी मोड़िए, आखिर इरादा क्या है? तुम साथ होती हो तो मुझे ना वक्त का एहसास होता है ना। नहीं सलमान, हम बहुत दूर निकल आए हैं, अब वापस चलना चाहिए। एक तो ये बड़ी मुश्किल, बीवी माँ बनकर बेचारे शोहर के लिए सिर्फ 25% है। सलमान! हमें भी बर्बाद कर दिया, शायद उसकी रजा यही थी। खलील बेटे, अब सिर्फ तुम ही हो जो अपने दोस्त को इस गम के भंवर से निकाल सकते हो। इसे समझाओ कि अफशा की मौत का सदमा भूल जाए, आखिर हमने भी तो सब कर लिया। क्या सोच रहे हो सलमान? सोच रहा हूँ आज मैं अपने आप को कित महसूस करता हूँ, काश हम ही यहाँ होते। अगर तुम कहो तो मैं अम्मी जान को खत लिख दूँ। नहीं खलील, बहू की मौत का सदमा उनके लिए भी जानलेवा साबित हो सकता है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता ये सब कुछ क्यों हुआ, कैसे हुआ। ये क्या वाकई अफशा? खाना लगा दिया है सरकार, चलकर खा लीजिए। मुझे भूख नहीं है बाबा, यार तुम खा लो। सलमान तुमने ये क्या हाल बना लिया है, लोग मरने वालों के साथ मर तो नहीं जाया करते। इन अधेरों से बाहर निकलो वरना जिंदगी रोग बन के रह जाएगी। मुझे जिंदगी से कोई प्यार नहीं है खलील, मैं मर जाना चाहता हूँ। हिम्मत से काम लो मेरे दोस्त, अपने आप को संभालो। कैसे संभालो, तकदीर ने मेरे दिल पर जो घाव लगाया है वो अब अच्छा नहीं हो सकता खलील। हाँ एक ही सूरत है, कहीं से अफशा को ढूंढ कर लिया। अफशा भाभी को कहां से ढूंढ कर लाऊं, वो तो मर चुकी है। नहीं खलील, वो जिंदा। अपने प्यारों की मौत पर यकीन करने को जी तो नहीं चाहता, लेकिन हकीकत को तस्लीम करना ही पड़ता है। वो तखोरों ने दरिया का कोना कोना छान मारा, लेकिन अफशा भाभी की लाश का कहीं पता नहीं। वो तुम्हारा साथ हमेशा के लिए छोड़ गई है सलमान। लेकिन उसने तो कहा था खलील, ये साथ कभी न छूटेगा। फिर वो मुझे छोड़कर कहां चली गई? जो किस्मत में लिखा है वो होकर रहता है दोस्त। अब तुम्हें जिंदगी गुजारने के लिए माजी के दुखों को भूलना होगा, खुद में जीने का एतमाद पैदा करना होगा, अपने लिए सही, उस मासूम के लिए जिसे कदम कदम पर तुम्हारे सहारे की जरूरत पड़ती रही। कभी ना छूटेगा जो मर।
अभी तक सोए नहीं बेटे? नींद नहीं आ रही अब्बू, और आप भी तो जाग रहे हैं अब्बू। एक बात पूछूं अब्बू, अम्मी हमें छोड़कर कहाँ चली गई है? अल्लाह मियां के पास बेटे। मगर क्यों अब्बू? पता नहीं बेटे। क्या वो आपसे नाराज हो गई थी अब्बू? नहीं बेटे। तो फिर आपने उन्हें रोका क्यों नहीं? क्या वो कभी वापस नहीं आएंगे अब्बू? हाँ बेटे, वो हमें बेसहारा छोड़कर हमेशा के लिए चली गई बेटे। रो नहीं अब्बू, मैं बड़ा रोकर आपका सहारा बनूंगा और माँ की तरह छोड़ के नहीं जाऊंगा। मेरे बच्चे, मैं क्या करूं खलील, उदासियां मेरा मुकद्दर बन गई है। जब भी अफशां के ख्याल को दिल से निकालने की कोशिश करता हूं, उर्फे राग के ढेर को कुछ इस अंदाज से छेड़ता है कि यह गम और शदीद हो जाता है। माँ के लिए बेचैन रहता है और ऐसे ऐसे सवाल करता है कि मेरी समझ में नहीं आता कि उसका दिल कैसे बहलू। बच्चा है, धीरे धीरे सब भूल जाए। मैं सोचता हूँ खलील, उसे अपने दो शहजाद के पास मरी भेज दो, वहां उसकी बच्ची के साथ खेला भी करेगा, पढ़ा भी करेगा। शायद इसी तरह माँ की जुदाई का एहसास उसके दिल से मिट जाए। तुमने ठीक सोचा। आइडियो को मारो गोली, आप अपने आइडिया से काम करना है। यू आर द रिस्पॉन्सिबल अबाउट माई वेरी गुड बंगला। यू सी, मेरे को बंगले का नक्शा बहुत अच्छा चाहिए। ये आपकी जिम्मेदारी, आप ब्लैक करो एक व्हाइट करो, मेरा मतलब क्या करो सुबह, ये आपकी जिम्मेदारी। फिर साहब चलिए सब काम ठीक हो जाएगा, मगर मुझे थोड़ा सा टाइम दे दिया। हाँ टाइम जितना आप बोलो जितना बोलो, मेरी माँ बोलती थी ना कि जल्दी का काम शैतान का होता है। अच्छा अभी मैं चलूँ। नहीं नहीं नहीं, आप चाय पी के जाए। अरे नहीं नहीं, अच्छा आप जिद करते हैं तो पी लेता हूँ। अब वो ये कार्ड आप रख लेंगे ना, बेहतर जरूरत पड़ेगी ना जी 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 आने जाने के लिए। सर ये आपका खत है। अच्छा जरूर लव लेटर आएगा। जमी तो चेहरे में खुशी की लेर दो रही है, बिल्कुल लवली है। हाँ सर, लव लेटर कैसे हैं आप? इसलिए कि ये मेरे बेटे ने लिखा है। ओह आई सी, योर सन, वेयर इज योर सन? मैंने उसे पढ़ने के लिए मरी भिजवा दिया। आंटी क्या बात है? पीयूटी बंद होता है तो पीयूटी पुश क्यों होता है? भाई ये बात तो वही बता सकते हैं जिन्होंने ये जुबान बनाई है। तुम्हें जो बताया जाए उसे याद करो, ठीक है? ओके आंटी। चोट नहीं लगी? नहीं। थैंक यू आंटी, आप मुझे बहुत अच्छी लगती हैं आंटी। तुम भी मुझे बहुत प्यारे लगते हो रफी। मैं आपका एक पप्पा ले सकता हूँ? आखिर कब तक इस तन्हा जिंदगी का बोझ अकेले उठाए फिरोगे? मेरी मानो तो दूसरी शादी कर लो। खलील, खलील, आइंदा ऐसी बात कभी जबान पर न लाना। मैंने जिंदगी का हर लम्हा अफशा की यादों के नाम कर दिया है। सुना था कि वक्त आहिस्ता आहिस्ता सारे जख्म भर देता है, मगर तुम्हें देखकर तो ये हकीकत भी झूठी नजर आती। तुम्हारी हमदर्दियों का बहुत बहुत शुक्रिया खलील, लेकिन मेरे जख्म यूं ना कुरेदा करो, बहुत अजियत होती है। मुझे यकीन हो गया है कि तुम अफशां भाभी को कभी नहीं भूल सकते, मगर मैंने वक्ती तौर पर तुम्हारी उदासियों का इलाज ढूंढ लिया है। आओ चलो मेरे साथ। हमने आपकी खुशी की खातिर दरवाजा बंद कर दिया ताकि और तमाशबीन अंदर ना सके। अब क्या हुक्म है? हुक्म नहीं, अर्ज है। मैं अपने दोस्त सलमान को जबरदस्ती यहाँ ले आया हूँ। कोई ऐसी फड़कती हुई चीज सुनाइए इनका दिल बहल जाए। दिलों को बहलाना तो हमारा पेशा है, मगर सलमान साहब आपको गम किस बात का है?
मैं अपना गम किसी को बताना नहीं चाहता। गम तकसीम हो जाए तो उसकी अजमत मिट जाती। हम समझ गए, आपके दिल में यकीनन मोहब्बत का गम है। यहाँ अक्सर लोग यही गम लेकर आते हैं, मगर एक बात समझ में नहीं आती। हेलो जी, नहीं, ये डॉक्टर आसिफ का घर है। आदाब आंटी। जीती रहो। किसका फोन था शाजी बेटी? रॉन्ग नंबर था। अच्छा अब मैं चलती हूँ। थोड़ी देर रुक जाओ, आसिफ क्लिनिक जाते हुए तुम्हें स्कूल ड्रॉप कर देगा। स्कूल पास ही तो है आंटी, और फिर आसिफ साहब ने तो अभी नाश्ता भी करना है, देर हो जाएंगे। शाजिया ठीक कहती हैं अम्मी, बेचारी उस्तानी है, अगर देर से स्कूल पहुँची तो जवाब तलवी हो जाएगी और कहीं छुट्टी ही ना हो जाए। घबराइए नहीं आसिफ साहब, स्कूल वालों ने अगर निकाल भी दिया तो आपका क्लिनिक तो मौजूद ही है, वहाँ का नर्स बन जाऊंगी। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज बेटे। शाजिया तुम्हें लाजवाब कर गई बेटे। वो खुद भी तो लाजवाब। कुछ मुझसे कहा? जी नहीं अम्मी। अच्छा नक्शा बना है ना, बिल्कुल दिल खुश कर दिया। इसलिए साहब आपको पसंद आ गया, फिर कुछ कर वो सुलेमान कुछ समी टोल मी के वो आपकी वाइफ का इंतकाल हो चुका है। बड़ा खुश हुआ। हमें शॉपिंग के लिए जा रहे हैं। जी जी जाइए जाइए, जा सकते हैं आप, जरूर जा सकते हैं, बल्कि आप हुकुम करें ना तो शॉपिंग सेंटर इधर ही मंगवा डालू। ये नई नस्ल के नखरे तो दिन ब दिन बढ़ते चले जा रहे हैं, कभी पिकनिक कभी क्लब कभी इधर कभी उधर, पर मारते हैं उधर चले जाते हैं पर मारते इधर चले जाते हैं, घर में इन लोग का पैर ही नहीं दिखते बिल्कुल। आई एम सॉरी मिस्टर सुलेमान, मैं इंट्रोडक्शन कराना भूल ही जाता हूँ, ये मेरी बेटी है नगमा। हेलो। और ये इनकी सहेली है अंबर। अंकल आपकी तारीफ। ये मिस्टर सुलेमान है, बहुत अच्छे आर्किटेक्ट है, अपने बंगले का नक्शा भी इन्होंने बनाया है। आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। शुक्रिया जी। अच्छा शेर सर मैं जा रहा हूँ। बेटे नहीं है? नहीं शुक्रिया। ओके ओके, कल मैं दफ्तर आऊंगा। जी बेहतर, मैं इंतजार। खुदा हाफिज। बहुत अच्छा आदमी है, है जी। नगमा बेटी आपका क्या प्रॉब्लम है? 1000 ओनली। ओनली? मेरे को तो पहले ही पता था, सुबह से उल्टे हाथ में खुजली हो रही थी। डैडी डैडी, मचका लगाने की जरूरत नहीं है और परेशान होने की भी जरूरत नहीं है, वह भी लेकर आ रहे। अंबर तुम किस सोच में गुम हो? ये सलमान साहब तो बड़ी जोरदार चीज है। अच्छा ऐसी कौन सी खास बात है? ये तुम नहीं समझोगी, ही इज ए लेडी किलर। मे कमी? यस प्लीज। आपने मुझे पहचान तो लिया होगा? यस, शायद कल शेख सत्तार के यहाँ से मुलाकात हुई थी। आपका नाम? अंबर कहते हैं मुझे। हाँ हाँ, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकती? अब आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं, अपना काम तो हो चुका है। मैं समझा नहीं। मुझे बात को उलझाने में मजा आता है। मैं सुलझी हुई गुफ्तगू पसंद करता हूँ। हम आइंदा आपकी पसंद का ख्याल रखेंगे। अंकल ने आज शाम आपको घर बुलाया। बेटा लेकिन ये बात तो मुझे फोन पर भी कह सकते। इसका मतलब है कि मेरा यहाँ आना आपको अच्छा नहीं? नहीं ऐसी भी बात नहीं। अच्छा तो फिर इजाजत दीजिए, शाम तक के लिए खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। अरे जोर से दबाना यार, हाथों में जान ही नहीं है। सारा बावर्ची खाना खा जाते हैं ना, जान बिल्कुल नहीं है। रखा की देता तुमने? यही रखा था सरकार। यही रखा था, जो चीजें इधर उधर रखते हो भूल जाते हो। मुझे फौरन मेरा कंगन ला के दो, मेरे सारे बाल खराब हो गए। अभी लाया सरकार। जल्दी। डैडी कब आए? अभी आया हूँ, थका हारा। एनी प्रॉब्लम? डैडी वो सलमान सर है ना? हाँ। उनका फोन है। फिर उन्होंने आपको बुलवाया है? मुझको बुलवाया है? खुद नहीं आ सकता है, पैर में मेहंदी लगी हुई है। अंकल हो सकता है उनकी तबीयत खराब हो। ओह यस यस यस, तबीयत। मैं अभी फोन करके पता करता हूँ। खराब है डैडी? कब से? अभी तो तुम बोली थी उनका फोन आया था। अंकल वो दरअसल कुछ ऐसी खराबी है
कि फोन आ सकता है। जा नहीं सकता है, हाँ कभी कभी हो जाती है ऐसी खराबी। प्लीज डैडी जाइए ना, वो आपके इंतजार कर रहे होंगे। अरे जाता हूँ मैं, नहा तो लूँ फ्रेश तो हो जाऊँ। अंकल आप कमाल करते हैं, अगर आप वक्त पे ना पहुँचे तो वो क्या सोचेंगे? क्या सोचेंगे, यही सोचेंगे ना मैं अंग्रेज नहीं हूँ। प्लीज डैडी। ओके चल तो। थैंक्स गॉड। मेरा ख्याल है कि मैं दीरावेर को भेज के उसको इधर ही नहीं बुलवा लूं। सोच ले अंकल, वैसे ये आउट ऑफ एटिकेट है। कौन सा गेट? एटिकेट। हाँ यस 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 यस, सॉरी मैं भूल गया था। शुक्र है। सलाम साहब। सेठ साहब मेरे आने की तलाश। सेठ साहब तो आपसे मिलने आपसे घर गए। मेरे घर गए? लेकिन उन्होंने तो मुझे यहाँ बुलवाया। आप तशरीफ रखें, मैं नगमा बीबी से मालूम कर लेता हूँ। जरूरत से ज्यादा ही बेतकल्लुफ हो रही है। सलमान साहब मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड लड़की हूँ, और कल आपने खुद भी कहा था आपको उलझी हुई बातें अच्छी नहीं लगती, इसलिए मैंने खुल के अपने प्यार का इजहार कर दिया। आप अपना ये प्यार करने का इरादा तर्क नहीं कर सकते? क्यों, आपको जिंदगी गुजारने के लिए किसी साथी की जरूरत नहीं? जी नहीं, लेकिन मुझे तो है। तो फिर आप अपने लिए किसी और साथी को तलाश कर लीजिए। सरकार रात देर में पहुंचे थे, मैं बता नहीं सका, ये खत आया है। उर्फी का होगा बाबा। आदाब बब्बू, ये खत मैं आपको अपनी मिस से लिखवा कर भेज रहा हूँ। वो बहुत अच्छी हैं और मेरा बहुत ख्याल रखती हैं। यहाँ मेरा दिल बिल्कुल नहीं घबराता, पढ़ाई ठीक हो रही है, मिस मुझे बहुत प्यार से पढ़ाती हैं। मेरी अम्मी जिंदा होती तो वो मुझसे इतना ही प्यार करती। अब्बू आप मुझसे मिलने का बा रहे हैं, आपका बेटा उसी। आ रहा हूँ बेटे। आपने बेमानी की है, मैं जीता नहीं। बड़ाई हुआ आज तो घर में बड़ी रौनक है। आइए डॉक्टर अंकल, आप ही खेलिए। नहीं भाई, हमारी आपसे कुटपी। वो किस लिए? जब से इन बड़े मियाँ से तुम्हारी दोस्ती हुई है तुम हमारी तरफ से लापरवाह हो गई। तो इसका मतलब है कि आप हमारी और आंटी की दोस्ती से जलते हैं? जलने की तो बात है, क्योंकि तुमने आकर हमारी इतनी कीमती चीज जो छीन ली। छीन लिया कर? अगर आप ऐसी बात बोलेंगे तो छीन लूंगा। डियर तुम्हें छीनने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम डैडी से आकर मुझे मांग लो, वो इनकार नहीं करेंगे। क्या आज शाम? आई विल ट्राई। ओके बाय। यकीनन शकील का फोन होगा, इन हजरत की तारीफ तो बहुत सुनी है मगर देखा नहीं, क्या कोई जोरदार चीज है? अरे तुम शकील का जिक्र छोड़ो और बताओ ये शौकत साहब कौन है? शौकत? तुम्हें इस नाम का कैसे पता चला? वो आपसे मिलने कल यहाँ आए थे। तो वो मुझे ढूंढता हुआ यहाँ भी पहुंच गया और आपके नाम लेटर भी छोड़ गया। डियर अंबर, आखिर मैंने तुम्हें तलाश कर ही लिया ना, मैं तुमसे मिलने यहाँ भी आया था मगर मुलाकात ना हो सकी। मैं होटल इंटरकांट के रूम नंबर 523 में ठहरा हुआ हूँ, मुझे फोन कर लेना। तुम्हारा शौकत। नॉनसेंस, उस बेचारे के प्यार भरे खत को इतनी बेतरतीब से फाड़ दिया? इसलिए कि मेरे प्यार की मंजिल शौकत नहीं, सलमान है। अच्छी तरह सोचो अंबर, सलमान शादीशुदा है। सो व्हाट, मैं ऐसा चक्कर चलाऊंगी कि वो अपनी बीवी को तलाक देने पर मजबूर हो जाएगा। तुम्हें इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि उसकी बीवी मर चुकी है। वंडरफुल, फिर तो और भी अच्छी बात है। सुना है सलमान का एक बच्चा भी है जिसे वो बहुत प्यार करता है। डोंट वरी,
जब वो मेरे बच्चे का बाप बनेगा अपने बच्चे को भूल जाएगा, अंडरस्टैंड? इरफान का खत पढ़कर मैं इतना बेचैन हुआ कि फौरन यहाँ चला आया। भाई हमें तो इरफान का शुक्रगुजार होना चाहिए बेगम कि उसकी बदौलत सलमान से मुलाकात हो गई, वरना ये लोग तो भूले से भी याद नहीं करते। फिक्र ना करो, इरफान की तरह भाईजान के भी यहाँ खूब दिल लग जाएगा और फिर ये जाने का नाम भी नहीं लेंगे। एक बात बताएं, मुझे याद करता है? अगर मैं कहूँ नहीं तो? उसके होंठों पर तो सिर्फ एक ही नाम रहता है, शादिया आंटी। हाँ, उसने मुझे भी खत में लिखा था, और सच पूछिए भाभी तो उस टीचर से मिलने का मेरे दिल में बड़ा इश्तियाक पैदा हो गया। स्कूल की छुट्टी कब होती है? मेरा ख्याल है उर्फी और समीना आते ही होंगे। लो वो आई गए। अबू आइए बेटे, आइए। समीना बेटी, अंकल को अदाब करो। अदाब बेटे, बैठ जाए बैठ जाए। ये क्या लाए भैया? ये लूडो है अबू, शादी आंटी ने दिया है। ओहो बेटे, आपको शादी आंटी क्या मिली? आप तो सबको भूल गए। वाकई अबू, शादी आंटी बहुत अच्छी है, अगर आप उनको देखेंगे तो आप भी दीवाने हो जाएंगे। भाई ऐसी बात है तो हम उन्हें नहीं देखेंगे, हम दीवाने हो गए तो इलाज कौन करेगा? ए मिस्टर बात तेरे मालिक, तशरीफ रखिए। मुझे सलमान साहब से मिलना है। सलमान साहब से मिलना है? तशरीफ रखिए, मैं ही उनका डुप्लीकेट हूँ, उनकी गैर मौजूदगी में दफ्तर के सारे काम मैं करता हूँ। फरमाइए, मैं आपके लिए कोई अच्छा या किसी तरह का काम कर सकता हूँ? तमीज से बात कीजिए। मेर खातून, मैं तो आपकी मदद करना चाहता हूँ। मेरे ख्याल से आप किसी कोठी का नक्शा वगैरह बनवाने आए हैं? जी नहीं, मुझे सलमान साहब से पर्सनल काम है। मतलब कुछ प्राइवेट किसी का? अजीब बात नहीं है। देखिए जी, ये बस स्टैंड है ना, उस पर भी कल लड़कियों ने मुझसे यही कहा था। तो सलमान साहब जो हैं वो मरी गए रहे। तशरीफ रखिए, बैठ जी। मरी गए नाम शौकत है, पेशा मोहब्बत, मगर हर एक से भी सिर्फ तुमसे। और कुछ? मुझे तुमसे एक शिकायत है अंबर डालिंग, अब मिलने के बावजूद मिलने क्यों नहीं है? इसलिए कि मैं तुमसे कुछ वास्ता नहीं रखना चाहती। तो आज चुप है? एक जमाने में हम बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे, बल्कि एक दूसरे से मोहब्बत भी करते थे। इस खुश फहमी को हमेशा के लिए अपने दिल से निकाल दो शौकत, मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं। दिल क्या चीज है अंबर डार्लिंग, हम तो पत्थरों को भी पिघला देते हैं। मैं हाजिर हो सकती हूँ? मैं कहीं ख्वाब तो नहीं देख रहा, तुम जिंदा हो? मेरा नाम अक्षा नहीं, शाजिया है। नाम बदल देने से चेहरे नहीं बदला करते। मैं कोई गैर नहीं, तुम्हारा शौहर हूँ सलमान। आपका दिमाग खराब है, मैं किसी सलमान को नहीं जानती। अक्षा क्या हो गया है तुम्हें? खुदा के लिए यूं अनजान ना बनो, तुम मेरी बीवी हो जो एक हादसे में बिछड़ गई थी। ये झूठ है, मैं उर्फी को पढ़ाती हूँ। मालूम होता कि इस घर में आप जैसे पागल भी रहते हैं तो मैं इसकी खैरियत पूछने यहाँ कभी ना आती। तुम्हें मेरी दुआओं का असर यहाँ खेल कर लाया है। तुम उर्फी की उस्तानी ही नहीं, उसकी माँ भी हो, वो हमारा बेटा है। सलमान साहब, आप हद से बढ़ रहे हैं, आपको ऐसी बातें करते हुए शर्म आनी चाहिए। समझ में नहीं आता आप दीवानगी का ये ढोंग किस लिए रचा रहे हैं। कान खोल कर सुन लीजिए, मैं अपनी इज्जत की हिफाजत करना अच्छी तरह जानती हूँ। तुम गलत समझ रही हो अफशा। हट जाइए मेरे रास्ते से। मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा अफशा,
मैंने बरसों के बाद तुम्हें बताया, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। छोड़ दीजिए। नहीं अक्षय, मेरी बात, अक्षय मेरी बात सुनो। आप पागल हो गए क्या? मेरी क्या कर रहे हो? कहीं तुम पागल तो नहीं हो गए? अक्षय अक्षय सलमान, अपने आप को धोखा देने से क्या फायदा? ये अफशा नहीं, स्कूल टीचर शाजिया है। लेकिन ये मेरी बीवी है। बीवी होती तो तुम्हें पहचानने से इनकार न करती। देखो शहजाद, हो सकता है ये जानबूझकर मुझे तड़पा रही है, और ये भी मुमकिन है कि अफशा बनकर मेरे सामने ना आना चाहती हूँ, और ये भी हो सकता है कि ये तुम्हारी मरहूम बीवी की हम शक्ल हो। इस दुनिया में एक ऐसी दो सूरतें भी तो हो सकती है। मान लो सलमान कि तुम्हारी सोच का हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं, तुमने अफशा के धोखे में शाजिया के साथ जो सलूक किया है उसके लिए वो तुम्हें कभी माफ नहीं करेगी। देख लीजिए, आप हमसे नाक तामझ, लेकिन तकदीर किसी ना किसी मोड़ पर हमें एक दूसरे से मिला ही देती है। मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि आपसे यह मुलाकात हो जाएगी। इट्स माय गुड लक। तशरीफ रखे, शाजिया आंटी को बुलाइए, हम उनसे मिलने आए हैं। ये मेरा बेटा इरफान है, यहाँ स्कूल में पढ़ता है। आदाब करो बेटा। आदाब। वो आसिफ भाई के साथ सैर करने गए हैं। मैं पूछ सकता हूँ, मिस शारिश्त है? शाजिया मेरी होने वाली भाभी है। बहुत इंतजार किया आसिफ भैया ने। बहरहाल अब चंद माह में शादी हो जाएगी। ओह, मैं भी कितनी स्टूपिड हूँ। क्या पियेंगे आप, चाय या कॉफी? जी नहीं शुक्रिया, मैं ज्यादा चाहूंगा। ये किताबें आप मिस शाजिया को दे दीजिए। खुदा हाफिज़। बेटा कब तक नजरें चुराओगे? आखिर तुम्हें मेरा बनना पड़ेगा। चलिए आसिफ, घर चले, आंटी इंतजार कर रही होंगी। तो क्या हुआ, हमने भी तो पूरे 5 बरस तुम्हारे इंतजार में गुजार दिए हैं। ये तो मुझ पर बेकार का इल्जाम है, वरना हकीकत तो ये है कि आपने 5 साल डॉक्टरी के आला तालीम पर सर्व किए हैं। अच्छा चलो यूं ही सही, 5 साल गुजार तो दिए हैं ना। शाजिया, आप हम दोनों को अपने जिंदगी और मुस्तकबिल के बारे में सोचना चाहिए, मेरा मतलब है हमारी शादी। आंटी जब मुनासिब समझेंगी तो हमारी शादी भी हो जाएगी। चलिए अब घर चले। हेलो अंबर डार्लिंग, भाई तुम भी अजीब लड़की हो, यहाँ आना था तो मुझे इन्फॉर्म कर दिया होता, दोनों साथ चले आते। है सुनाओ क्या हाल है? ठीक हो? फिर वही बेरुखी। देखो अंबर, शहर में तुमने हमें लिफ्ट नहीं कराई, हमने कोई गिला नहीं किया, लेकिन यहाँ तो ऐसा सलूक ना करो। याद है यहाँ हमने काफी वक्त साथ गुजारा है? गुजरे हुए हर लम्हे को भूल जाओ शौकत। कमाल है भाई, कल तुम कह दोगे मुझे भी भूल जाओ। मैं तुमसे प्यार करता हूँ अंबर डार्लिंग। और शौकत, इस ख्याल को अपने दिल से निकाल दो। प्यार तो क्या, मैं तुम्हें अपना दोस्त भी समझने के लिए तैयार नहीं। किसी और से दोस्ती कर ली है क्या? यही समझ लो। कौन है वो खुशनसीब, जरा हमें भी तो पता चले। सलमान नाम है उसका, सामने वाले कॉटेज में रहता है, जाकर मिल लेना। तुमसे कहीं ज्यादा हैंडसम और स्मार्ट है। अंबर, शायद तुम्हें मालूम नहीं, जो फूल हमें पसंद आ जाए उससे कोई दूसरा अपने कोट के कॉलर में नहीं सजा सकता। तुम मेरी और सिर्फ मेरी रहोगी। मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। आप पर फिर दीवानगी का दौरा पड़ा है क्या? जी नहीं, मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूँ। यकीन कीजिए मैं अपने कल के रवैये पर इंतहाई शर्मिंदा हूँ। समझ में नहीं आता आप किस किस्म के इंसान हैं। यही तो मुश्किल है कि मैं आपको कुछ समझा भी नहीं सकता। कसूर ना आपका है ना मेरा, हालात की सितमदरीफी है। बहरहाल मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, आपके चेहरे पर नाराजगी बर्दाश्त नहीं कर सकता। बोलिए, अब तो आप मुझसे खफा नहीं? नहीं। शुक्रिया, आपने मेरे दिल से बहुत बड़ा बोझ उतार दिया। अच्छा अब मैं चलती हूँ, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। यकीन जानो सलमान बेटे,
तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई। अंबर हमेशा तुम्हारी तारीफ किया करती है। ये तो इनकी जरा नवाजी है जी, वरना मैं किस काबिल हूँ। सलमान साहब, आप इरफान को साथ क्यों नहीं लाए? इरफान को तो इन्होंने इनवाइट नहीं किया था। आप भी कमाल करते हैं, इरफान मियाँ के लिए कोई नया घर थोड़ी है। हम अभी ड्राइवर को भेज के बुलवा लेते हैं। नहीं नहीं, मेरे ख्याल से इस वक्त रहने दें, अब तो सो भी गया। उर्फी बहुत प्यारा बच्चा है, मैं तो कहती हूँ आप यहीं शिफ्ट हो जाइए। जी हाँ, मेरा भी यही ख्याल है, इसलिए कि मेरा तो सब कुछ यही है। अंबर, लो आसिफ भी आ गया। आपका भी जवाब नहीं भाईजान, कहा भी था कि शाम को जल्दी घर आ जाए, मगर लगता है कि आपको अपने मरीजों से कुछ ज्यादा मोहब्बत हो गई। क्या बुराई है इसमें? माँ को बच्चे से, शौहर को बीवी से, और डॉक्टर को अपने मरीजों से बहुत ज्यादा प्यार होता है। सलमान साहब, ये मेरे भैया है डॉक्टर आसिफ। भैया, ये सलमान साहब है जिनका सुबह मैंने आपसे जिक्र किया था। अच्छा अच्छा अच्छा, आर्किटेक्ट सलमान फारूकी। प्लीज प्लीज प्लीज, थैंक यू सर। आप डॉक्टर से मिल चुके हैं ना? हाँ हाँ। ये उसके अब्बू हैं। बहुत खूब, ही इज अ वंडरफुल बॉय। थैंक यू। एक जाति से सवाल पूछूं सलमान साहब? जी। आपने दूसरी शादी क्यों नहीं की? दरअसल बच्चे को बाप से ज्यादा माँ के प्यार की जरूरत होती है। आप ठीक कहते हैं डॉक्टर आसिफ, लेकिन मेरी बीवी जिंदा है और उसकी मौजूदगी में मैं दूसरी शादी कैसे कर सकता। अरे साहब, आजकल लोग तीन तीन शादियां कर लेते हैं, अब दूसरी शादी में घबरा रहे हैं। ये तो अपने अपने हौसले की बात है। दैट इज अ डिफरेंट केस। बेगम साहब, खाना लगा दिया। वंडरफुल। चलिए आसिफ साहब, खाना खा लें, जिंदगी के लिए ये भी बहुत जरूरी आइटम हो। प्लीज। आदाब। आदाब। मैं इधर से गुजर रहा था, सोचा उर्फी को साथ लेता जाऊं। उर्फी, वो तो बहुत देर हो गई, चला गया। चला गया? अच्छा वैसे आप उर्फी की पढ़ाई तो मुतमईन है ना? क्यों नहीं, वो तो बहुत ही इंटेलिजेंट लड़का है। आप तो खुशनसीब हैं, मुझे यकीन है उर्फी बड़ा होकर बहुत नाम पैदा करेगा। खुदा उसको जिंदगी दे। कभी कभी मुझे तो उस पर बहुत ही प्यार आता है। वो भी आप इतना मानूस हो गया है जैसे बच्चे माँ से मानूस हो जाते हैं। दरअसल खून का रिश्ता, मेरा मतलब है खून का रिश्ता ही सब कुछ नहीं होता, जिसे प्यार से अपनाया जाए अपना बन जाता है। सच कहा आपने, प्यार में बड़ी ताकत होती है। वैसे मुझे हाँ तो नहीं पहुँचता, क्या मैं पूछ सकता हूँ आप डॉक्टर आसिफ को कब से जानती हैं? आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। डॉक्टर आसिफ, मैं उन्हें कब से जानती हूँ ये तो मुझे याद नहीं, लेकिन उनके मुझ पर बड़े एहसान हैं। वैसे बुरा मत मानिएगा, जब से मैं आपको मिला हूँ मुझे यूं लगता है कि आप वो नहीं हैं जो आप बन गई। सलमान साहब, फिर आपने वही बातें शुरू कर दी हैं, मेरी समझ में नहीं आ रहा आप बार बार ऐसा क्यों सोचा करते हैं। हेलो सलमान। हेलो डॉक्टर आसिफ। माफ करना शाहजिया, मुझे आने में देर हो गई। क्या ख्याल है, चले? चलिए। अच्छा, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। तेज हवाएं चल रही, यूं लगता है जैसे कोई तूफान आने वाला है। तूफान? हाँ, मेरा भी यही ख्याल है। सर, क्या बात है, आज आप बहुत संजीदा है और खिलाफी भी मूल अब तक यहाँ मौजूद है। लीव मी अलोन। तुम्हारी मोहब्बत भी खत्म होने को है डॉक्टर आसिफ। तुमने एक बेसहारा लड़की को शाजिया का नाम दिया और उससे प्यार करने लगे, लेकिन वो शाजिया नहीं है,
ये बात तुम अच्छी तरह जानते हो। याद है आज से 5 साल पहले? इंशाल्लाह थोड़ी देर में होश आ जाएगी, फिर भी आप इनको वॉच करें। ओके सर, थैंक यू। ये कौन है ये लड़की? पता नहीं डॉक्टर साहब, हम लोग दरिया के किनारे खड़े थे, एक लाश नजर आई, हम उठाकर यहाँ ले आए, न जाने कौन है बेचारी। कुछ बचने की उम्मीद है डॉक्टर साहब? देखो जिंदगी में उसे होश आ गया। का शुक्र है आपको होश आ गया। अपना नाम पता बता दे ताकि मैं आपके आरिजों को खबर कर दूं। मैं कौन हूँ, कहाँ हूँ? मुझे कुछ नहीं मालूम, मुझे कुछ नहीं मालूम। डॉक्टर खालिद? यस डॉक्टर। पुअर गर्ल, आई थिंक She has lost her memory. अपनी याददाश्त खो बैठी। ब्लड प्रेशर तो नॉर्मल ही है। ये दवाई बाजार से खरीद लेना। मैंने बहुत कोशिश की है डॉक्टर साहब, मगर उस लड़की के वास्तु का कुछ पता नहीं चला। वेरी सैड। फिर क्या करें डॉक्टर साहब, इस लड़की को किसी दारुलमान में भिजवा दें? नहीं नहीं डॉक्टर खालिद, ऐसी हालत में उसका वहां रहना मुनासिब नहीं। उसे सच छुपाने का आसरा तो हमारे घर में भी मिल सकता है, और इस तरह उसका इलाज भी होता रहेगा। ठीक है सर। आसिफ बेटे, ये कैसे हो सकता है? वो लड़की कौन है, किसकी बेटी है, हमें कुछ भी तो मालूम नहीं। फिर क्या हुआ अम्मी, लोग यतीम खानों में पलने वाली लड़कियों से भी तो शादी कर लेते हैं। ठीक है बेटे, मगर तुम्हारे लिए और बहुत से रिश्ते ढूंढे जा सकते हैं। बात ये है अम्मी, अपने बीवी शाजिया के मरने के बाद मैंने कभी दूसरे शादी के बारे में नहीं सोचा, लेकिन जब से ये लड़की इस घर में आई है मेरा जी चाहता है इसे शाजिया कहकर पुकारूं। तो यूं कहो, चंद ही हफ्तों में इस लड़की ने तुम्हारे दिल में घर कर लिया है। जी हाँ अम्मी, फिर वो बेसहारा भी तो है, क्या ये अच्छा नहीं होगा कि अगर आप उसे बहू बना ले? अगर तुम्हारी खुशी इसी में है तो यूं ही सही, मगर एक शर्त है, तुम डॉक्टरी की आला तालीम के लिए यूरोप जा रहे हो, शादी तुम्हारे वापस आने पे होगी, समझे? जैसे आपकी खुशी। शाजिया, इजाजत हो तो ये फूल तुम्हारे बालों में सजा दूं? जरूर। अजीब बात है, ये फूल शाख पर इतना अच्छा नहीं लग रहा था जितना तुम्हारे बालों में लग रहा है। आसिफ, आपकी मोहब्बत मुझे मगरूर बना देगी। ये तो इब्तिदा है, आगे आगे देखिए होता है क्या। हाँ शाजिया, एक खुशखबरी सुनाओ तुम्हें। क्या? मैं डॉक्टर के हायर एजुकेशन के लिए यूरोप जा रहा हूँ। सच? ये तो बहुत खुशी की बात है, मैं आपकी कामयाबी की दुआएं मांगूंगी। ये तो बताओ, मेरे लिए 5 साल इंतजार कर लोगी? क्यों नहीं, 5 साल क्या, मैं जिंदगी भर आपका इंतजार कर सकती हूँ। डॉक्टर आसिफ, शाजिया तुम्हारा इंतजार जरूर है, लेकिन वो शाजिया नहीं। मैं तो मुझे हक तो नहीं पाचता, क्या मैं पूछ सकता हूँ आप डॉक्टर आसिफ को कब से जानती हैं? डॉक्टर आसिफ, मैं उन्हें कब से जानती हूँ ये तो मुझे याद नहीं।
वैसे बुरा मत मानिएगा, जब से मैं आपसे मिला हूं मुझे यूं लगता है कि आप वो नहीं हैं जो आप बन गई। सलमान खौफ बनकर मेरी जिंदगी पर छा गया, ये कौन है और शाजिया से बार बार क्यों मिलता? कहीं शाजिया की पुरानी जिंदगी से उसका कोई ताल्लुक तो नहीं? शाजिया मेरी मोहब्बत है, उसे मुझसे कोई जुदा नहीं कर सकता। मैं उन हाथों को तोड़ दूंगा जो शाजिया को मुझसे छीन लेना चाहते हैं। सलमान ने भेजे होंगे। अंकल, शाजिया आंटी कहाँ है? वो घर में नहीं है। कहाँ गई है? मुझे नहीं मालूम। मैं यहाँ पे बैठकर पेंसिल इसलिए। अंकल देखो, आइंदा इस घर में कभी ना आया करो, समझे? वो तुम्हारी स्कूल टीचर है, उससे स्कूल में मिला करो। मगर क्यों अंकल? आइसे खड़ा ठहरो उठ बेटे। आपने उस मासूम को क्यों डांटा? चाहिए, अभी ज्यादा दूर नहीं गया होगा, ले आई आपने लाडले को जाकर। मेरी समझ में नहीं आता आखिर उसने क्या बिगाड़ा है आपका। मैं पूछता हूँ कि तुम्हें उससे इतनी हमदर्दी क्यों है? डॉक्टर साहब माफ कीजिए, बड़ा अजीब सवाल किया है आपने। क्या डॉक्टर होने के नाते आपको अपने मरीजों से हमदर्दी नहीं होती? मैं उर्फी को पढ़ाती हूँ इसलिए भी मुझे अच्छा लगता है। उर्फी या उसका बाप? अब मैं कभी डॉक्टर आसिफ के घर नहीं जाऊंगा। जाने अपने आप को क्या समझते हैं? नहीं बेटे, वो बड़े हैं, बड़ों की इज्जत किया करते हैं। तो फिर उन्होंने मेरे फूलों को क्यों फेंका और मुझे क्यों डांटा? बेटे आप छोटे हैं ना, बड़े तो डांटते ही हैं। लेकिन आपने तो मुझे आज तक नहीं डांटा। मेरी बात और है बेटे, मैं तो तुम्हारा अब्बू हूँ। बेटे जाइए जाइए, हम आपसे नहीं बोलते। ऐसा ना कहो बेटे, डॉक्टर आसिफ ने तुम्हारे साथ जो ज्यादती की है मैं उसके लिए माफी मांगती हूँ। आप क्यों माफी मांगती हैं? मुझे आपसे तो कोई शिकायत नहीं। शिकायत किसी से भी हो बेटे, ना जाने मैं तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों नहीं देख सकती। बेटे देखिए आप कितने खुशकिस्मत हैं, आपकी टीचर रात को मनाने आई है, चलिए गले में हाथ डालिए। आंटी मैंने डॉक्टर आसिफ को कह दिया है वो आइंदा तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। अब तो तुम खफा नहीं हो ना? नहीं। घर आओगे ना? जरूर। मैं तो सिर्फ इतना जानता हूँ कि अंबर को अपनाना अब मेरी आन का मसला बन गया है। छोड़ो यार, जब वो तुम्हें चाहती ही नहीं तो बेकार दिल जलाने से क्या फायदा? तुम नहीं समझोगे, शिकारी के जाल में शिकार फंसकर निकल जाए तो उसे कितनी तकलीफ होती है। अंबर मुझे ठुकराकर सलमान को अपनाने के ख्वाब देख रही है, लेकिन अगर वो मेरी नहीं बन सकती तो मैं उसे किसी दूसरे की भी नहीं बनने दूंगा। तो क्या जबरदस्ती शादी करोगे? नहीं, मैं उसके चेहरे पर बदनामी का ऐसा गहरा दाग लगाऊंगा कि उसे मेरे बाजुओं के सिवा और कहीं पनाह ना मिल सके। सुनो, मेरे जहन में एक निहायत शानदार तरकीब आई है, लेकिन वादा करो कि तुम सब मेरा साथ दोगे। प्रॉमिस। प्रॉमिस। थैंक यू। सच बताओ मैं तुम्हें कैसी लगती हूँ? ठीक ठाक। तो फिर अपने अब्बू से सिफारिश करो कि वो हमसे शादी करे। सॉरी आंटी, मैं किसी के जाती मामलात में दखल नहीं देता। सोच लो, हम तुम्हें बहुत सी टाफियां खिलाएंगे। ठीक ठीक, आप मुझे रिश्वत देना चाहती है? पुलिस पकड़ेगी आपको। बेगम साहबा, क्या बात है बुजी? एक आदमी आपके लिए लिफाफा दे गया है। आंटी तुम्हारे अब्बू का, उन्होंने आज शाम 4 बजे कैक्शा पार्क में मिलने के लिए बुलाया है।
हाय अरफान, मजा ही आ गया। हेलो सलमान। हेलो अंबर। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मेरा ख्याल है ये पब्लिक प्लेस है और यहाँ किसी के आने पर कोई पाबंदी नहीं। तुम कहो किससे मिलने आई हो? मैं किसी से भी मिलने आई हूँ, तुम्हें क्या मतलब? हाँ साहब, अब हमारा आपसे क्या नाता, हम ठहरे पुराने आशिक, अब तो सलमान ही तुम्हारी जिंदगी है। चलो आज हम भी उन्हें एक नजर देखने गए, यकीन तुम्हारी पसंद अच्छी हो, लेकिन हम भी कुछ बुरे नहीं। शट अप। मैंने कहा था ना अंबर कि जो फूल मुझे पसंद आ जाए उसे कोई और अपने कोट के कॉलर में नहीं सजा सकता। तुम बहुत ही ठीक आदमी हो, मैं तुम्हें कई बार कह चुकी हूँ मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं। आई हेट यू। तुम्हें मुझसे नफरत करने का पूरा हक है अंबर, लेकिन तुम मुझे मोहब्बत करने से नहीं रोक सकते। मोहब्बत कोई खिलौना नहीं शौकत, जिसे तुम जबरदस्ती हासिल कर लो। यही साबित करने के लिए मैंने खत भेज कर तुम्हें यहाँ बुलाया है। अंबर डार्लिंग। शौकत। अंबर, मैं अपनी इस हरकत पर बहुत शर्मिंदा हूँ, मगर देखो ना क्या करता, मुलाकात की कोई और सूरत ही न थी। वैसे भी मेरा उसूल है कि जो चीज मांगने से न मिले मैं उसे छीन लिया करता हूँ। छोड़ दो मुझे। अब तो मैं मुझसे कोई नहीं छुड़ा सकता अंबर। आज तुम्हारी नफरत और मेरी मोहब्बत में जबरदस्त जंग होगी। तेरी खुशियों का काफिल आज इसकी जिंदगी सिर्फ तेरे रहम करम पर खत्म कर दे इसे, ये तेरे रास्ते की दीवार है। नहीं आसिफ, ये तुम्हारा मोहसिन है, इसने अपनी जान पर खेलकर तुम्हारी बहन की इज्जत बचाई है। ये तेरी जिंदगी का सुख बर्बाद कर देगा, ये तेरा दुश्मन है। खुद गर्ज ना बनो डॉक्टर, तुम्हारे मुकद्दस पेशे पर हमेशा के लिए दाग लग जाएगा। अपने फर्ज से आंखें ना चुराओ, डॉक्टर का काम जिंदगी देना है।
दो नहीं उर्फी, अल्लाह ने चाहा तो तुम्हारे अब्बू ठीक हो जाएंगे। डॉक्टर अंकल, मेरे अब्बू कैसे हैं? मैं क्या उनसे मिल सकता हूँ? नहीं बेटे, सलमान साहब के ऑपरेशन का क्या बना भैया? आप चुप क्यों हैं आसिफ, जवाब दीजिए। मैं सलमान के लिए कुछ नहीं कर सका, लेकिन तुम्हारी दुआओं ने उसे बचा लिया। आसिफ, उर्फी बेटे, थोड़ी देर में तुम अपने अब्बू से मिल सकोगे, बहुत खुशनसीब है वो। आसिफ, मुझे आपसे कुछ कहना है। कहिए। आप वो नहीं हैं जो नजर आते हैं। मैं समझा नहीं। कुछ दिन पहले तक जिस आदमी के लिए आपके दिल में नफरत थी, आपने उसकी जान बचाकर बहुत बड़ा काम किया है। हाँ, मैं चाहता तो सलमान की जिंदगी खत्म हो सकती थी, लेकिन मैं एक डॉक्टर हूँ शाजिया, अपने फर्ज के सामने एक डॉक्टर को सब कुछ भूल जाना पड़ता। फिर इस केस में तो तुम्हारा चेहरा भी मेरे सामने था। अगर सलमान को कुछ हो जाता, तुम तो मुझे कभी भी नहीं माफ करती, है ना? मेरा और सलमान का ऐसा क्या नाता है? नाता जोड़ने में क्या देर लगती है? आप ऐसी बातें क्यों क्या करते हैं? क्या आपको मुझ पर भरोसा नहीं? सच कहूं शाजिया, मुझे डर लगता है कहीं मैं तुम्हें खो ना बैठूं। आप ऐसा ना सोचा करें, मेरे दिल में जो आपके लिए जगह है उसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। आपसे बेटे आज जा रही है, मैं चलती हूँ। हेलो शाजिया बेटी, जो खुशखबरी हम सुनाने आए हैं उसका तुमसे भी गहरा ताल्लुक है। क्या खुशखबरी है आंटी? आसिफ बेटे, इस इतवार को अंबर की सालगिरह है। इस खुशी के मौका पर हम एक और फर्ज अदा करना चाहते हैं। हमने फैसला किया है तुम्हारी और शाजिया बेटी की मंगनी करती जाए। अम्मी, भाईजान ने इतना इंतजार किया है और आप अब भी सिर्फ मंगनी कर रही हैं। अरे बेटे, 15 दिन बाद शादी भी कर दूंगी। अंकल, मुंह खोली आ रही है, लड्डू खाइए। क्यों बेटे, आप दोनों इम्तिहान में पास हुए हैं क्या? नहीं अब्बू, इम्तिहान तो अभी दूर है, ये तो नियाज के लड्डू हैं। हमने अल्लाह मियाँ से दुआ मांगी थी कि आप अच्छे हो जाए, और आप अच्छे हो गए। हाँ बेटे, तुम्हारी दुआएं बहुत काम आई। अंकल, अल्लाह मियाँ बच्चों की बात जल्दी सुनते हैं। मैं हाजिर हो सकती हूँ? आइए मैं संबर, आइए तशरीफ रखिए। बेटे आप जाए। मैं आपका शुक्रिया अदा करने आई हूँ सलमान, उस दिन ऐन वक्त पर आकर आपने मेरी इज्जत बचा ली। कोई बात नहीं मैं संबर, आपके भाईजान ने मेरी जान बचाकर हिसाब बराबर कर दिया, मैं उनका एहसान कभी नहीं भूलूंगा, बल्कि किसी दिन खुदा का शुक्रिया अदा करूंगा। किसी दिन क्यों, परसों मेरी सालगिरह है, मैं आपको इनवाइट करने आई। परसों मैं नहीं आऊंगा। वो क्यों? पता नहीं क्यों पार्टीज और हंगामों से मेरा दिल घबराता। परसों तो आपको जरूर आना पड़ेगा सलमान, ये सिर्फ मेरी खुशियों का सवाल नहीं, उस दिन आसिफ भाई और शाजिया की मंगनी भी है। मुझे ना सही, आसिफ भैया को ही मुबारकबाद देने आ जाए। बोलिए, आइएगा ना। आप फिक्र ना करें खातून, ये जरूर आएंगे, मैं इन्हें लेकर आऊंगा। इसे कहते हैं मान ना मान, मैं तेरा मेहमान। नहीं नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं, ये इन्विटेशन आप सबके लिए है। थैंक यू। अच्छा अब मैं चलती हूँ, खुदा हाफिज। मैंने थी अब कर। हाँ जरूर। क्यों भाई सलमान, क्या सोच रहे हो, चलोगे ना? भाई तुम्हारे तो फैल सालगिरह के केक का एक छोटा सा टुकड़ा हम भी खा लेंगे।
मुबारक हो अब्बा। हैप्पी बर्थडे खवातीनों हजरात, ये दिन मेरे लिए बहुत अहम है, इसलिए कि आज मेरी बेटी अंबर की सालगिरह है। इस खुशी में मैं एक और खुशी शामिल करना चाहती हूँ। आज अपने बेटे डॉक्टर आसिफ और शाजिया की मंगनी का ऐलान करती हूँ। मगर ये कैसे पार्टी है, ना नाच ना गाना? बेटा आपको तो पता है हम डॉक्टर हैं, हमें नाच गाना कहाँ जाएगा? तो फिर आप मुझसे फरमाइश करके जाएंगे, मैं बहुत अच्छा गाना गाता हूँ। वाकई? हाँ। फिर हो जाए। हो जाए। दोस्तों, इस महफिल में एक नन्ना गुलकार है जिनका ये दावा है कि वो बहुत अच्छा गाना गाते हैं। यकीन कीजिए, अगर इसने हमें बहुत अच्छा गाना सुनाया तो हम वादा करते हैं इन्हें मुंह मांगा इनाम देंगे। ज्यादा तो आंटी जरूर बैठे। Get out!
बेटे तुमने बहुत अच्छा गाना गाया, कुदरत ने खुद मुंह मांगा इनाम तुम्हें दे दिया। आप अंदर नहीं जा सकते डॉक्टर अंकल, आज मैं कितना खुश हूँ। खुदा खुश रखे तुम्हें।